यहाँ पे जो है। ठीक ठीक है जी, ठीक है ठीक है। जी 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 अदील भाई करें, स्टार्ट करें। तो मैंने ये एक साइट पे मैंने जो है ये अपना पीडीएफ फाइल खोली हुई है और दूसरी साइट पे मैंने अपने विंडोज खोली है, ठीक है, ब्राउजर खोला। अच्छा, सबसे पहले जो है मैंने इधर अमेजोन डील साइट्स, डील साइट्स एक दो, ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट पे जो है हमारे पास इधर ओपन हो जाएगी। ये जैसे कि यहाँ पे देखिए amzdiscover.com, ये इधर हमारे पास आ गया। ये देखें, ये जो है ना, ये लाइन से कुछ साइट्स हैं जिस पे हमें कूपन मिल रहा है, डील्स मिल रही हैं, और जो है ना इसको हमने वन बाय वन ये सारी साइट्स को हमने चेक करना है। फिर यहाँ से हमें आइडियाज मिलेगा कि जी कौन सी जो है ना बेहतर है। जैसे कि ये मैंने कैश बैक बेस ये मैंने जी एक साइट खोल ली, ये देखिए ये जो है ना डील्स इधर कैशबैक बेस पे इधर ये डील्स आई हुई हैं। ये सारी जो है वो कुछ प्रोडक्ट्स हैंगी इन्होंने जिस पे ये डिस्काउंट्स दे रहे हैं। देखिए $19 की ये हैगा माइक्रोफाइबर डस्टर, ये इन्होंने $1 का ये बेच रहेंगे। इसी तरह से ये कुछ अप्लाइंग काउंटर टॉप कुछ इस तरह से कोई प्रोडक्ट है, ये $12 की थी, ये फ्री में दे रहे हैं। देखिए ये दो चार चीजें यानी कि इधर जो है हमें ये फ्री में यानी कि हमें गिव अवे दे रहे हैं ये। तो ये इसको हम अमेजोन पे देखेंगे, इस पे एक्सरे लगाएंगे इसको, यानी कि ये प्रोडक्ट्स अभी न्यू लॉन्च हो जाएंगे। ये वो प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि ये कंटेनर्स, मील प्रेप्स कंटेनर्स, ये डिस्पोजेबल हैं। वैसे इसका मैंने चेक किया था, इधर इसका कोई खास नहीं आ रहा था, पर मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये आदिल भाई होलसेल के लिए या नॉर्मल वैसे ही सर्चिंग आप कर रहे हैं, हंटिंग कर रहे हैं, क्या क्राइटेरिया मतलब? अच्छा, ये जैन भाई ये सिर्फ एक आइडिया है कि आप यहाँ इस इन वेबसाइट से आइडिया ले सकते हैं कि वेब्स कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जिसको आप सर्च कर सकते हैं। एंड प्लस में अगर ये जो है ना, हाँ जैन भाई, अगर ये जैसे ना प्रोडक्ट जो है ना आप यूएसए के मार्केट में और यूके के मार्केट पे जो है ना अगर आप देखते हैं कि इसका सर्च वाली हम सब कुछ ठीक है, तो आप फिर यहाँ से ना ऑर्डर कर सकते हैं, मतलब चीप प्राइस में आप जो है ना वो ऑर्डर कर सकते हैं और उधर जो है ना डबल प्राइस में आप सेल कर सकते हैं अमेज़न के ऊपर, आई थिंक ऐसा कुछ है ये। नहीं, वो तो फिर ड्रॉप शिपिंग होगी ना, वो इस तरह से हाँ, ये तो ड्रॉप शिपिंग होगी। हाँ हसन भाई, ये ड्रॉप शिपिंग का होगा ना कि हम जैसे अलीबाबा से प्रोडक्ट खरीदेंगे तो अगर अलीबाबा पे रेट जो है ना वो ज्यादा है और इस साइट पे रेट कम है, जैसे अभी अदील साहब ने दिखाई कि $1, अगर सेम उसी प्रोडक्ट की जो है ना रेट अलीबाबा पे $2 और $3 दे, तो हम फिर इस $1 से नहीं लेंगे, हमारे लिए ज्यादा बेनिफिट रहेगा। मुझे नहीं लगता कि ये लोग बल्क में भी देते होंगे, बल्क में ये नहीं देते होंगे, इनके पास इतना तो पीछे नहीं होता होगा। एक मिसाल बल्क में जो हमें मिलता है ना वो हमें अलीबाबा से मिलता है। अलीबाबा पे आप जाएंगे तो देखेंगे वहाँ पे मिनिमम ऑर्डर होता है जी 300 यूनिट का, मिनिमम 300 से 1000 यूनिट तक का, और फिर अब वो वन पीस जो यहाँ पर हमें 10-20 पाउंड्स का मिल रहा है वो हमें 0.60 का यानी कि एक पीस मिल रहा होता है $0.60 का। तो अगर हम बल्क में लेंगे तो हमें वहाँ से कम प्राइस में भी वो मिल जाएगा और हम उस पर जो है वो अपना जैसे वहाँ से हम जो है अलीबाबा सोर्स करके हम इधर यूके की मार्केट में लेके आएंगे
तो फिर हम जो है ना सब चीज़ें काउंट करेंगे, उस पर शिपिंग कितनी लग रही है, उस पर फ्रेट फ्रेट कितना लग रहा है, उस पर फिर अमेजोन की FBA फीस कितनी चार्ज हो रही है, इन सब को कैलकुलेट करके हम जो है ना मार्जिन निकालते हैं, और ये चीज़ फिर यानी कि हम अपना इस तरह से प्रोडक्ट तरह से ये तो सोर्सिंग हो गई ना, सोर्सिंग की बात कर रहे हैं जी जी ओके वैसे इसका सर्च वॉल्यूम भी इतना कुछ खास नहीं है, पर इधर प्राइस जो है हमारी क्राइटेरिया से मैच कर रही है, रेवेन्यू जो है वो क्राइटेरिया से मैच कर रहा है टॉप 10 का, और आगे रिव्यूज इसके काफ़ी ज़्यादा आएंगे, 4,000, 3,000, 1,000, तो ये वैसे इसके अंदर अमेजोन नहीं है। फिर हम आगे चलेंगे, कैशबैक वापस आएंगे, ये प्रोडक्ट दोबारा से हमने खोलनी है इधर से व्यू। ये मुझे ज्वाइन ना लाइन को इसका मैंने कॉपी कर लिया इधर, मैं काउंटर टॉप ये कुछ जो है इस तरह का नाम आ गया, चलिए हम इस पर एक्सरे चलाते हैं। दिल भाई साथ में ऊंचा ऊंचा बोलना भी है और बताना भी है, क्योंकि ये जो ड्राइविंग सीट होती है ये एक ऐसी सीट होती है कि ये मैं कहता हूँ फिंगर रख रख के बताया जाता है घुमा घुमा के कि ये जगह ऐसे करना है यहाँ से, क्योंकि नहीं तो कुछ समझ नहीं आती, चाहे मास्टर भी साथ जी 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 अच्छा ठीक है। अच्छा ये हमने जी एक अप्लाइंग काउंटर टॉप हमने वहाँ से उठाया था, ये देखिए कैश बैक हम मैं आपको शुरू से बता देता हूँ हम यहाँ पे कैसे आए। हमने लिखा था जी सिर्फ और सिर्फ गूगल पे लिखा था अमेजोन डील साइट्स, तो अमेजोन डील साइट्स लिखा तो वहाँ पर AMZ डिस्कवर ये आ गई हमारे पास, तो इधर जो है ये साइट्स हमें लाइन से दी हुई हैंगी जहाँ पर हमें डील्स मिलनी है, कूपन्स मिलते हैं यहाँ पर वो प्रोडक्ट्स आती हैंगी जो न्यूली लॉन्च हुई हैंगी, अभी यानी कि लॉन्च हुई हैं, तो वो प्रोडक्ट्स हमें यहाँ पे मिल जाती हैं। हम इन प्रोडक्ट्स में से इस पर हमने कैश बैक बेस इन वन बाय वन इन सब जो है साइट्स को हमने विजिट करना है, तो इधर जैसे मैंने एक कैश बैक बेस को मैंने क्लिक किया तो मैं इधर आ गया, इधर आने के बाद मैं नीचे जाऊँगा तो हमें ये देखें पॉपुलर्स में आके एक डील्स मिलेगी हमें यहाँ पर। डील्स में जी हमारे पास लाइन से ये कुछ प्रोडक्ट्स आएंगी, ये प्रोडक्ट हैं जो न्यूली लॉन्च हुई हैं, इस पे डिस्काउंट ये जो अपना सेलर्स आएंगे वो डिस्काउंट दे रहे हैं, जैसे कि $23 की थी अब ये फ्री में गिव अवे दे रहे हैं, और जैसे कि ये $93 की था ये इलेक्ट्रिक प्रेशर वॉशर तो ये हमें $18 की दे रहेंगे, तो ये इस तरह की सोन ये इस तरह की जो है प्रोडक्ट्स हैं। इसको अब हम जो है वन बाय वन इस पर हम एक्सरे लगाएंगे, देखेंगे कि ये हमारे क्राइटेरिया पे मैच कर रहा है या नहीं कर रहा, तो यहाँ से मैंने इसका जो कीवर्ड यहाँ से मैंने उठा के इसको मैंने डाला जी इधर सर्च बार में, उसकी नीच में दाखिल हो गया। अच्छा तो जैसे कि मैंने यहाँ पर एक्सरे चलाया, मैंने इसका फिल्टर लगा के इसका मैंने वो क्लोज कर दिया जो स्पॉन्सर वालों का हटा दिया। अच्छा अब इसमें से जी जैसे कि कुछ मैं इम्तियाज साहब के साथ बैठा हुआ था
तो जी वो पूछ रहे थे कि जी इररेलीवेंट, जैसे ये यहाँ पर जो है ना कुछ और इररेलीवेंट प्रोडक्ट आ गई, तो अब हम उसको किस तरह से यानी कि डिलीट करेंगे। उसको डिलीट करने का तरीका ये है, मैं आपको सिंपल से बता रहा हूँ कि यहाँ पर हमने इधर चेक किया, ये सिलेक्ट रॉ सिलेक्टेड रॉ वन, ये पूरी रॉ जो है सिलेक्ट हो गई। अब हमने इसको यहाँ से डिलीट कर दिया, यहाँ से डिलीट किया, इसको रिमूव कर दिया, तो ये इररेलीवेंट यहाँ से रिमूव हो गया। ठीक हो गया, ये चीज क्लियर हो गई। अनिल सर दोबारा रिपीट करेंगे ये इररेलीवेंट चीज, वाला। अच्छा, ठीक है। अच्छा अब जैसे कि मिसाल के तौर पे यहाँ पे जी एक MFN आ रहा है, ठीक है, MFN आ रहा है, इसको मैंने इधर क्लिक किया, ये मैं उसके ऊपर ऊपर आके देखूंगा, ये डिलीट डस्टबिन का जो है बटन बना हुआ है, मैंने डस्टबिन के बटन को क्लिक किया और इसको रिमूव कर दिया। ये देखिए जी, यहाँ से वो गायब हो गया MFN। ठीक हो गया, जी उमेर साहब ये बंद कर दें प्लीज। अच्छा वैसे हमने इसको चेक कर लिया था, इसका कुछ इसके रिव्यूज ज्यादा थे तो इस वजह से हम इसको छोड़ देते हैं, नेक्स्ट प्रोडक्ट पे जाएंगे हम लोग। ये डिजायर सीरीज तो टूरमालाइन हेयर स्ट्रेटनर, ये हेयर स्ट्रेटनर, हेयर स्ट्रेटनर का हम ट्रेंड भी देख, अदील भाई ट्रेंड जी। एक सवाल भाई पूछना था जरा। जी फरमाए। जी सर, मैंने अभी आपने मुझे ये भी बता रहे थे आप जो AMZ डिस्कवर से नई प्रोडक्ट्स आपको न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट मिलेंगी, सही है ना? तो भाई साहब जो जी प्रोडक्ट न्यूली लॉन्च होगी तो क्या उसका इतना इनफ डाटा होगा कि हम एक फेयर एनालिसिस कर सकें? हम इसकी जैसे कि अभी हम ये गूगल ट्रेंड चेक कर लें स्ट्रेटनर का, फिर हम ये हेयर स्ट्रेटनर पे चलेंगे। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, उसकी हमने लिस्टिंग लाइफ भी चेक करनी है ना। यहाँ पे मैं इसको गूगल ट्रेंड में यूके कर लेता हूँ, हम यूके की मार्केट में कर रहे हैं, हम सेलर की लिस्टिंग लाइफ देखेंगे कि वो 6 महीने पुरानी है या नहीं। जो 6 महीने पुरानी होगी फिर हम उसको जो है वो कंसिडर करेंगे। इसको ये 12 मंथ हुआ हुआ है, पिछले 12 मंथ का दिखा रहा है, मैं इसको 5 देखते हैं कि हेयर स्ट्रेटनर की कितनी डिमांड है यूके में। जो हम ये देखें जी, ये तकरीबन 25 से थोड़ा सा नीचे आ रहा है, और ये इन सीजन में ये 25 से बड़ा है, दिसंबर में यानी कि ये बढ़ जाता है। ये ज्यादातर लोग गिफ्टों में भी देते हैं ये, तो इस वजह से, मगर ये 25 है वो ये है कि वो 25 से नीचे नहीं होना चाहिए। अब अगर हमारी और तमाम चीजें जैसे कि हमारे रिव्यू रेवेन्यू प्राइस और अमेजोन तो नहीं है, कॉम्पिटिटर के साथ हम कर सकते हैं, तो अगर अगर वो सारी चीजें ठीक हैं तो हम इसको भी कंसीडर कर लेंगे। क्यों फारूक भैया, सही है? जी उसको तो आप मुकम्मल देखेंगे ना एनालिसिस में, तो फिर आपको पता चलेगा कि भाई क्या करना है इसके साथ। ये हॉट रिलीजेज है, बाकी इसका अमेजोन का बकलम खुद का जो है ना न्यू रिलीजेज के ऊपर टैब है, ऑल बेस्ट सेलर, बेस्ट सेलर से भी आइडियाज ले सकते हैं आप, न्यू रिलीजेज से ले सकते हैं। उससे ये मुराद होता है न्यू रिलीजेज से, आप अमेजोन ओपन करें, आप करें मैं बताता हूँ, ये ऊपर न्यू रिलीजेस पर जरा अपना कर्सर लेकर जाएं अमेजोन। इधर पहले अमेज़न में नया टैब खोलूं?
नया खोलें या पुराना खोलें वो कोई इशू नहीं है, लेकिन अमेजोन हो और उसका न्यू रिलीजेस का टैब पहले दिखाना है कि कहाँ खड़ा है, डायरेक्ट क्लिक नहीं करना। सेकंड, ये हम किधर कह रहे थे, न्यू रिलीजेस? अच्छा न्यू रिलीजेस, न्यू रिलीजेस ये है लेफ्ट पे, यस ये है जनाब, जहाँ ये आपका सर्च बार है, हेयर स्ट्रेटनर लिखा हुआ है और उसके साथ ऑल का बटन है, ऑल के बटन के नीचे न्यू रिलीजेस है। सबको नजर आया? सबको नजर आया है? ठीक है, ये रहा नजर सर। जी सर, जी ठीक है। इससे मुराद जी न्यू रिलीजे ये हो गया और बेस्ट सेलर, यहाँ से अच्छे आइडियाज मिल सकते हैं। न्यू रिलीजेस से मुराद ये होता है, जैसे आप किसी बस स्टॉप पे खड़े होते हैं और सवारियाँ काफ़ी सारी खड़ी हैं, तो बस में बंदे घुस ही जा रहे हैं, इंटर हो ही जा रहे हैं, तो आप बहुत पीछे खड़े हैं, लेकिन जब काफ़ी सारे तकरीबन कोई 20 बंदे अगर बाहर खड़े थे, 20 सवारियाँ, तो जब 15-16 गुजर गई तो फिर आपका हौसला बन जाता है और आप भी आगे हो जाते हैं कि यार नहीं, स्पेस पड़ी है अंदर तो मुझे भी इंटर होना चाहिए, जबकि पहले आप परेशान थे कि इतनी सवारियां खड़ी हैं तो क्या पता सीट मुझे मिलती है या नहीं और मैं खड़ा भी सबसे पीछे हूं। तो न्यू रिलीजेस से मुराद ये होता है कि ये जो न्यू रिलीजेस हैं, रिलीज्ड प्रोडक्ट हैं, न्यू रिलीज प्रोडक्ट मतलब इस पे फील्ड में या इस नीश में, इस मार्केट में स्पेस है, जगह है, सीटें हैं, पांव रखने की जगह है, आपके खड़े होने की जगह है, तभी नए नए बंदे आ रहे हैं और वो इन चीज़ों को लॉन्च कर रहे हैं। न्यू रिलीजेस का मकसद ये नहीं होता कि बिल्कुल बिल्कुल ही मतलब वो 0 मीटर है, उसका खाता ही हमें नहीं मिलेगा, यानी कि अगर बिल्कुल भी 0 मीटर होती है तो जब आप जाके उसको देखते हैं कि यार ठीक है उसकी लिस्टिंग लाइफ बहुत कम है, लेकिन बाकी चीज़ें रिव्यूज़ भी उसके कम हैं और सर्च वॉल्यूम और मंथली रेवेन्यू बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो आप इजीली उसमें छलांग लगा देते हैं कि इसमें हमें स्पेस मिल जाएगी और हमारी जगह बन जाएगी, ये चीज़ होती है कुछ जी। इसके अलावा आज हमारे साथ तशरीफ़ फरमाएं जनाब उम्मे ऐमन, और वो अपनी स्क्रीन शेयर फरमाएं और उनके पास हैं पेड टूल और वो आपको पेड टूल्स दिखाएंगी और चला के दिखाएंगी कि क्या सीन होता है, कैसे होता है। चलिए सही है, बस मैं यहाँ से क्लोज कर रहा हूँ। वैसे मैं आप ये स्ट्रेटनर देख लें एक बार, इसका सर्च वॉल्यूम भी अच्छा है, 6000 हमारा क्राइटेरिया है ना, पर इसका बता दें, इसका सारा सब कुछ बता दें और ट्रेंड भी उसका बता दें जी, जी। फिर जाते हैं उम्मे ऐमन की तरफ जी। अच्छा, इसकी प्राइस जो है हमारे क्राइटेरिया से मैच कर रही है, तकरीबन हमारा 39.99 यानी 40 पाउंड हमारा जो है वो क्राइटेरिया होना चाहिए यूके के लिए, और 11 से 40 तक के हमारा 39.9 पाउंड ये हमारे पास इसका प्राइस का होना चाहिए, और सर्च वॉल्यूम हमारे पास 6000 होना चाहिए जो कि ये मैच करता है, और एवरेज रेवेन्यू हमारे पास 10000 होना चाहिए जो कि ये मैच कर रहा है, और इसके बाद हमने रेवेन्यू देख लिया, प्राइस देख लिया, सर्च वॉल्यूम देख लिया। अच्छा, ये और ये रिव्यू काउंट यहाँ पे देखिए, इसका ये इसका रिव्यू काउंट इसका हमारे पास 500 से कम होना चाहिए, तकरीबन 400 या 500 से कम होना चाहिए यूके के लिए। अच्छा, ये एवरेज निकाल लेंगे, एवरेज टॉप 10 का निकालेंगे तो वो हमारा मतलब 100,000 होना चाहिए। ये दो अमेज़न इस पे बैठे हुएंगे टॉप 10 में जी, तीन जो है वो एक्सेप्शनल होते हैं, तीन से ज्यादा ना हो अमेज़न जो है वो, लेकिन उनका वो देख उनका रेवेन्यू देखना है, ये ना हो कि वो 60% या 70% आपकी मार्केट का रेवेन्यू लेके जा रहे हों और आप कहें कि एक्सेप्टेबल है। अगर 70% या 60% लेके जा रहा है एक ही अमेज़न है तो वो भी जान पे भारी है जी जी। ये देखें बिल्कुल, रेवेन्यू हाई टू लो मैंने कर दिया था, मैं दोबारा देख लेता हूँ। ठीक है ये हो गया।
अच्छा यहाँ से हम इनको, ये शुरू में दो अमेज़न बैठे हुए थे, हम इनको यहाँ से डिलीट कर सकते हैं फिर हम उनको देख लें, जैसे कि ये दो अमेज़न इधर बैठे हुए हैं, इनको हम सर उनको। इसमें इसमें जो हमारी क्राइटेरिया की प्राइस है उससे तो ये बहुत हाई है, जैसे देखिए ना 30 पाउंड है हमारी, तो क्राइटेरिया की प्राइस है वो है 12 से 25 पाउंड है, ये 30 पाउंड है, 188 पाउंड है, 38 पाउंड है। अच्छा नहीं, ये देखिए ये देखिए, जी बिल्कुल, इसमें प्राइस भी हमारी हाई आ रही है इधर, जो क्राइटेरिया के मुताबिक है, और बाकी एवरेज भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन जो अमेजोन बैठा है वो खतरे की घंटी है इन शॉर्ट। जी, हाँ तो ये तो यहीं पे ये प्रोडक्ट रह गई है, तो इसको रह हम गई, कंसीडर कर चलो सकते ठीक हो गया जी, चलते हैं जनाब। करें भाई उम्मे अमन जी साहिबा मोहतरमा, आप स्क्रीन शेयर फरमाएं जी और सेकंड में यहाँ से स्टॉप कर देता हूँ। आप स्टॉप शेयरिंग कर दें दिल भाई, गुड हो गया जी। उम्मे अमन अच्छा जी, आपने ज़रूर ही कोई ना कोई सर्च और रिसर्च की होगी, तो उसके मुताबिक ज़रा हमें क्या निकाला आपने, चलें या फिर नहीं निकाला तो फिर क्राइटेरिया के मुताबिक ब्लैक बॉक्स से चलते हैं और आगे सारा एक्सरे वगैरह भी लगाएंगे और सब कुछ करेंगे, तो करें स्टार्ट ज़रा। आप अपना माइक म्यूट करेंगी, और ये जहाँ माइक छपा हुआ है ये रेड बटन आ रहे हैं नीचे नज़र, जहाँ से आपने स्क्रीन शेयर की उसके साथ, यस ये चीज़, अब करें क्लिक इस पे, ये अनम्यूट हो हाँ अरुण जाएगा। भाई, यहाँ पे लाइट आ जा रही है, आ जा रही है, अभी लाइट भी दोबारा ऑफ हो गई है, मैं वेट कर रहा हूँ, जो ही आती है तो मैं भी जनाब ऑनलाइन होके चलो इसमें जाके मुश्किल मैं नहीं है, चलो मुश्किल नहीं है, कोशिश ठीक करता हो गया, हूँ। हम इधर कर रहे हैं काम, देखते अच्छा हैं फिर। उमे अमन, आप अपने यूआरएल पे जाएंगी ना, जहाँ यहाँ पर यूआरएल लिखा हुआ है googlemeet.com, बिल्कुल इस स्टार के बराबर में इधर हैगा वीडियो का जो है ना, ये तो वहां पे क्रॉस लगा हुआ है, उसको उसको आप क्लिक करें। जी, अब अच्छा अब इसको ऑलवेज अलाउ HTTP गूगल, हाँ इस पे क्लिक करें, इसको डन कर दें। ओके जी, हो गया, अब आपकी आवाज भी आएगी और आपकी शेयरिंग वगैरह तो हो ही रही है। अस्सलाम वालेकुम। जी अब ज़रा बताएं हमें कि कुछ रिसर्च किया है आपने कि नहीं, या स्टार्ट से चलेंगे। सर स्टार्ट से ही करते हैं, वैसे किया तो मैंने काफी कोशिश की है लेकिन कुछ हुआ नहीं है। थोड़ी सी आवाज़ बढ़ानी पड़ेगी। अब आ रही आवाज? जी जी बिल्कुल, अब आ रही है जी, अब बेहतर है। जी, मैं कह रही थी कि कोशिश तो मैंने काफी की है लेकिन कुछ हुआ नहीं अभी तक मेरे से। चलो ठीक है भाई, करते हैं। हसन भाई, कामरान भाई, शकील भाई, शकील नासिर साहब, नासिर शकील साहब, अस्सलाम वालेकुम, और ये सब ज़रा करें फेवर और बताएं कि क्या कुछ करना है। वालेकुम सलाम। हसन भाई शुरू हो जाए बिस्मिल्लाह, या जैन भाई। या कोई क्या और करना बंदा आ जाए तो चाहेंगे? भी इशू नहीं है। ये जनाब ये पेड टूल है और इसमें ब्लैक बॉक्स से स्टार्ट करते हैं। अच्छा ये पे टूल है, अच्छा माशाल्लाह। आप ये लेफ्ट पे जाएं, ये जहाँ लिख वो है ना, नीचे नीचे आएं, ये टूल जो खड़े हैं ब्लू बेल्ट में, ब्लू ब्लू स्ट्रैप जो आ रही है जी, यस, इससे नीचे पे आएं, इस पे क्लिक करें, निचले पे क्लिक करें, इस पे क्लिक करें,
प्रोडक्ट रिसर्च, क्लिक करें इस पे, ये ब्लैक बॉक्स ओपन करें नीचे वाला, इसको क्लिक करें। जी इसमें क्राइटेरिया बताएं इनको, ये कैटेगरी है सबसे पहले, इसको क्लिक करें। ठीक हो गया, बस ये आपका पेज ओपन हो गया जी। यहाँ पे इसमें होम एंड किचन, जी भाई बताएं इसकी मार्केट भी जो है भाई बता दें, मार्केट भी आपने यूके की कर लेनी ऊपर जी। जी जी यहाँ मार्केट सबसे पहले करें बिल्कुल। मार्केट इसलिए हम जाते हैं इसमें यूके में जाते हैं कि यूके एक अच्छा प्रॉफिट देने वाली और कम ब्लीडिंग वाली, जिसमें हमें पीपीसी करते करते, मतलब जैसे यूएसए एक पुरानी मार्केट है और उसमें बड़े बड़े डॉन बैठे हैं और वो सबसे पहले की मार्केट है, तो इसलिए उसमें ज़रा मुश्किल हो जाता है। और कुछ ऐसा भी हो जाता है अगर आप गलत फैसले कर बैठते हैं तो आपकी 50% जो इन्वेस्टमेंट होती है वो उसी में चली जाती है, आपकी पीपीसी करने में, यानी आपकी रैंकिंग में चली जाती है। अच्छा कैटेगरी के बराबर में आप जी कैटेगरी के आगे देखेंगे अगर आपने मंथली रेवेन्यू है जी कर देंगे जी बताएं। अब कैटेगरी दो सेलेक्ट किए आपने, एक करनी है? नहीं वो तो आप कितनी भी कर सकती है, बस वो गेट मर्जी होती है, मर्जी होती है, कोई मसला नहीं, लेकिन आप एक ही करें, आप इसको स्पोर्ट्स को निकाल दें, मैक्सिमम पे होम एंड किचन में रखें। अच्छा प्राइस हमारे पास मिनिमम हमारे पास 11 होनी चाहिए मिनिमम, आप वही 12 दे दें या 12 से वो कर दें, 24 थी कितनी थी बस वही 24 लिखे या 25 कर दें आप, 12-25 बस ये आप याद कर लेना चाहिए हमें मेरे ख्याल में 12-25। अच्छा आगे रिव्यू मिनिमम हमारे पास मैक्सिमम 40 था ना, मैक्सिमम 1000 मैक्सिमम 1000 नहीं रिव्यू में 40 था ना। अदिल भाई आप कहाँ से देख रहे हैं, आप पता नहीं कौन सा क्राइटेरिया बता रहे हैं। 40 ये 1000 है, इसमें एवरेज रिव्यूज की बात है, 1000 आप चलो 900 कर लें या 1000 ही कर लें, ठीक है देखते हैं उसको, नहीं तो 900 कर लें तो वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि 1000 रिव्यू भी बहुत भारी होते हैं, क्योंकि इसने ओवरऑल हमें यहाँ पे 1000 वाले देने हैं, ठीक है इसे डाउन वाले देगा, ठीक है 1000 ठीक है। आगे चलें नेक्स्ट जनाब, आगे शिपिंग पार्सल वो जो है शिपिंग साइज टायर, इस पे करें स्टैंडर्ड पार्सल ओके है, नीचे आ जाएं जी, नीचे आप फुलफिलमेंट में आ जाएं, रेटिंग रह गई 4.2 रेटिंग का भी करते हैं उसको भी देख लेते हैं, एफबीओ हो गया, इसके बाद आप आ जाएं इधर वेट में आ जाएं, इसी फुलफिलमेंट का आखिरी जो कॉलम है राइट पे वेट, ये मैक्सिमम 4 मैक्सिमम में डालें, 4 मैप्स मैक्सिमम में डालें, सर वेरिएशन भी डालेंगे मैक्सिमम, कोई नहीं वेरिएशन वो तो आपकी जब रिसर्च कर रहे होंगे तो आप कई तरीके करेंगे ना, कई हरबे करेंगे उसके साथ वेरिएशन भी डालेंगे और क्या कुछ करेंगे, ठीक है अभी चलो ना डालें कोई इशू नहीं है, ओके सर ओके ऊपर बस ठीक है आप जाने दें इसको मारें सर, रिव्यू रेटिंग भी डाली डाल दें जी, रेटिंग भी डाल दें, रेटिंग भी डाल दें,
कि मिनिमम 4.2 मिनिमम 4.2 होनी चाहिए ऊपर 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 वाले फिल्टर में, एडवांस में नहीं है, ऊपर है। यस यहां पे रिव्यू ग्रेडिंग, ये चीज, ये मैक्सिमम मिनिमम 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 4.2 होनी, 4.2 ठीक है, यानी इससे ऊपर चलेगी नीचे नहीं चलेगी। अच्छा रियाज भाई देखते हैं आपका ब्लैक बॉक्स भी देखते हैं, कोई मसला नहीं है, उसको भी चेक करते हैं कि क्या है सीन है। अच्छा जी अब देख, फाइव प्रोडक्ट्स फाउंड, इसको जरा आप रीडिंग करें कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं, कुछ समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही या नई चीजें हैं? जी ये तो पिलो केस है, सिल्क पिलो केस। ये पेड अपना टूल्स में भी सिर्फ 5 प्रोडक्ट्स इसने फाउंड किए हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? प्रोडक्ट्स तो पेड टूल में काफी होनी चाहिए वैसे, जो क्राइटेरिया हमने मेंशन किया है, अगर तो ये पेड है। मेरा ख्याल ये है कि मतलब 1 मिनट अभी देखते प्रोडक्ट्स आने चाहिए, अभी देखते हैं इसको जरा ओपन करें एक दो प्रोडक्ट को। ये कर लूं सर, ब्रेड नाइफ। हाँ कर लें कर लें, हाँ कर दें इसको कर दें। अच्छा इसका एसएन कॉपी करें ऊपर, वो एसएन होगा इसका, बी से स्टार्ट होगा इस, जी हाँ जी, इसको कॉपी करें और इसको ले जाएं उसमें एलियम 10 के सेरिब्रो में डालें जरा। जी ये डालें नीचे, एग्जैक्ट मैच करें, नीचे गेट कीवर्ड करें, इसके बाद हम इसको लगाएंगे। नीचे एडवांस फिल्टर में देखें क्या है इसका, ऑर्गेनिक कर दिया, ठीक हो गया। ऊपर पहले अभी अप्लाई नहीं करना, सबर करें, सबर सबर सबर, अप्लाई नहीं करना, ऊपर पढ़ लें कितने वर्ड्स दिए हैं इसने टोटल। यहाँ नीचे नीचे देखें, नीचे नीचे स्क्रॉल डाउन करें, बस इधर ही ये है 683 है, ये ऊपर पढ़ें फिल्टर कीवर्ड्स के नाम से। हाँ जी 683 है, नज़र आ रहा है आपको मोहतरमा जी? ये वाले बिल्कुल, यस जी। अब ऑर्गेनिक करके इसको अप्लाई करें। ये कर दिया सर, अब अप्लाई कर देती हूं सर। और कर लिख रहा है, नहीं लिख रहा, 225 जी। अब देखें वो 683 थे, अब ये अगर हमारा पेड़ ना होता तो उसने वो काम नहीं करना, नहीं था। करना था जी जी। और इसमें आप इसके बाद करें ऑर्गेनिक रैंक 1 करें, मिनिमम या मैक्सिमम आप डालें इसमें, मिनिमम में डालें फिलहाल या मैक्सिमम में? मैक्सिमम में डालें, बिल्कुल मजीद फिल्टर हो जाएगा। चलो मिनिमम में रख के एक एक रख के आप इसको अप्लाई करें पहले, अभी 225 है। अच्छा इसको उधर डालें, मैक्सिमम में डालें, जीरो जीरो चले गए। अच्छा वर्ड काउंट 2 लिखा हुआ है, ठीक हो गया। इसको आप डल करें इधर ऑर्गेनिक रैंकिंग को, अच्छा वो अपना क्या नाम है आपका गौर भाई, आपने पूछा था कल आईक्यू स्कोर क्या होता है? जी सर मैंने पूछा था। तो क्या होता है फिर, हमने आपसे पूछा था, याद है कुछ? सर बिल्कुल आपने कहा था सर्च करना है, लेकिन एग्जैक्ट विषय एग्जैक्टली तो सर टाइम नहीं मिला। ओए 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 ओए, ये सर्च वॉल्यूम ही होता है, लेकिन ये इसके इसमें होता है सेरिब्रो के एल्गोरिदम में, यानी हीलियम 10 का एक अपना एल्गोरिदम है, उसके मुताबिक ये जो शो करता है ना स्कोरिंग,
यानी सर्च वॉल्यूम ही आप समझें, इसका दिया हुआ आपके हीलियम 10 का दिया हुआ। हाँ जी क्या बना, वो वर्ड जरा निकाले ना, कहाँ चले गए हमारे। उसमें सबसे ज्यादा उनकी जो इसमें जाए सेरिब्रो, यहाँ बिल्कुल सेरिब्रो में, इसमें जो आपके नीचे आ रहे हैं देखें अब इनका सबसे ज्यादा सर्च वॉल्यूम किसका आ रहा है। सर्च वॉल्यूम के ऊपर क्लिक करें, ऊपर जाके सर यस यहाँ क्लिक करें, जी ये हाई टू लो हो गया है सर्च वॉल्यूम। और अगर हमारे पास ये टूल पेड ना होता तो ये सर्च वॉल्यूम ऐसे ना होता। अब ज़रा इसको देखें कितना है, इसका सर्च वॉल्यूम कितना है, ये जो ऊपर वाला कीवर्ड आ रहा है आपके पास। जी और ये सेरिब्रो आईक्यू स्कोर जो है, ये सेरिब्रो का अपना यानी हीलियम 10 का एक फार्मूला एल्गोरिथम है, उसके मुताबिक इसका सर्च वॉल्यूम आ रहा है। अच्छा इसमें आप ये देखें अब कि कौन सा ये जो वर्ड है ना, फ्रेज या वर्ड आप कह लें कीवर्ड है, कीवर्ड के ऊपर लेके आए अपना कर्सर, नीचे 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 जहाँ कीवर्ड लिखे हुए थे ये, यस यहाँ पे ये इसके साथ ये जो यहाँ बिल्कुल इसके ऊपर क्लिक करें। यहाँ जब आप क्लिक करेंगे आपकी मार्केट ओपन होगी और आप देखेंगे कि मेरी जो नाइफ थी या जो भी प्रोडक्ट है या कीवर्ड है उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स आ रही हैं या डिफरेंट आ रही हैं। ये डेफिनेटली मतलब आपकी नाइफ ही आएगी क्योंकि नाइफ नाइफ होती है, सही है। तो बाकी कुछ कीवर्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें आपके बैक जाएं नीचे वाला क्लिक करें और उसको देखें, कुछ कीवर्ड ऐसे होते हैं जिनमें आपका मिक्स मटेरियल आता है जिसमें 70% या 50% आपकी प्रोडक्ट होती है बाकी दूसरी मिक्स होती हैं। जाएं उससे नीचे वाला क्लिक करें, देखें इसको बेशक बंद कर दें ये नाइफ वाले को क्योंकि वो फिर लोड बढ़ जाता है। ओ सेरिब्रो पे जाएं, सेरिब्रो पे नीचे वाले कीवर्ड की मार्केट ये यहाँ से जैस यहाँ से की थी या इससे नीचे वाले की करें। अवल तो कीवर्ड हम कोई और देते हैं क्योंकि नाइफ में उसने नाइफ ही शो करवानी है। तो वो फिर कुछ कीवर्ड होते हैं जिसमें मिक्स मटेरियल आ जाता है, तो मिक्स मिसाला हम देखेंगे, हम मार्केट पर एक नज़र मारेंगे कि ठीक है जी हमारे काम की है कि नहीं ये कीवर्ड। अगर उस कीवर्ड में 90% हमारी प्रोडक्ट एटलीस्ट होनी चाहिए मिनिमम तो ठीक है चलेगी। अगर ऐसा कीवर्ड हम हाँ इसको ओपन करती जाए ना, एक एक को ओपन करती जाए देखती जाए क्योंकि ये एक तो नाइफ है, नाइफ ही होनी है ओवरऑल। अब ये देखें नीचे करें, अब ये कीवर्ड हमारे पास आया है लेकिन ये नाइफ से कोसों दूर है। ये कौन सा आ रहा है, क्रस्टी, उसका नाम क्या था कीवर्ड का, देखें जरा कौन सा था, क्रस्टी ब्रेड, क्रस्टी ब्रेड, ये देखें। अब ये इसको क्लिक करें पीछे क्रस्टी ब्रेड को इधर से, यहाँ क्लिक करके अगर आप ज़्यादा क्रॉस कर दें तो वो डेल हो जाएगा, क्रॉस कर दें अगर ज़्यादा को डेल करना हो वो फिर दो चार को क्लिक करके करते होते हैं। करें ज़रा इसको क्लिक करें, क्रॉस करें, क्रॉस हो रहा है तो इसी को क्रॉस करें ना, इधर से निकालें रिमूव तो करें कर दें बस ठीक है, ओके हो गया बस ऐसे ही है। आप रिमूव करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, ये 225 हैं तो आपके पास ये कहीं 65-35 की रेंज में जाके बचेंगे। अच्छा एक तरीका ये है, अब आप इसको ना कोई और कीवर्ड पकड़ें, अब ये देखें नीचे करें। फरूख साहब ये प्रोडक्ट बहुत ट्रेंड बहुत अच्छा है, इसका 50 के करीब है रेशो ट्रेंड के ऊपर, गूगल ट्रेंड के ऊपर। कौन सी प्रोडक्ट है जी, उसी को देन नाइफ का, हमें नाइफ का गूगल ट्रेंड चेक किया ना तो ये 50 के करीब जा रहा है कि यहीं पर। अच्छा, अच्छा। इसको मैं अहमद को बोलें कि इसका गूगल ट्रेंड भी शो करे इधर ही आप सबके लिए। जी सही
लेकिन इसमें अमेज़न बैठा होगा जी। और इसको नाइफ को हमने चेक किया था और इसको एक्सरे लगाएंगे तो फिर चेक होगा। 25 ये चीज़ आ रही है जी। अब मार्केट यूके की करें और इसमें पास 5 ईयर्स हो गए यूके। हाँ ठीक है, ट्रेंड तो इसका सही है और बाकी इसमें एक्सरे में जाके पता चलेगा कि अमेज़न बैठा है या कोई और ब्रांड डोमिनेंट तो नहीं है। अब तो मतलब 50-60+ में लेके जा रहे हूँ 2-3 बंदे तो फिर हम कहाँ बैठेंगे। साइमल्टेनियसली हम भी लगा के देखते हैं ताकि एक एक काम 2-3 दिन दफा हो जाए। मैं करता हूँ जी बिल्कुल। इसको एक्सरे लगाएं नाइफ पर, ठीक हो गया। एक काम करना था, अब चलो इस पर लगा दिया आपने, इसको देखते हैं। आपने वहां से देखना था जिस कीवर्ड पर सबसे ज्यादा सर्च वॉल्यूम था वो कीवर्ड यहां लगाना था एक्सरे के अंदर। इसका रेवेन्यू के ऊपर जाके क्लिक करें, हाई टू लो करें और स्पॉन्सर डेल लें। इसके फिल्टर में जाके स्पॉन्सर डेल करें, ऊपर फिल्टर ये जो की बना हुआ है, यस नीचे ओके हो गया, डन हो गया। ठीक है, हाई टू लो हो गया, रेवेन्यू आपका। आप आगे जाएं, अब राइट करें और वो गाड़ी के नीचे देखें, अमेज़न आ गया, FB, Amazon, Amazon का रेवेन्यू चेक करें कितना लेके जा रहा है। एक वो पड़ा है आपके 29 नंबर पे और एक ऊपर है 42 वाले पे है। लेफ्ट करें ना, रेवेन्यू चेक करें। आवाज कट रही है बिलावल भैया। सर मैंने कहा आई थिंक ये प्राइस से फ्लॉप हो जाएगा क्योंकि प्राइस बहुत आई है, जो प्रोडक्ट की प्राइस है इसके बाद बी एस आर हो गया जी। और इसके बाद आप वो करें, अच्छा वो लेके जा रहे हैं, इसके अलावा भी तो ब्रांड बैठे हैं ना पुराने। अच्छा अभी इसमें से यहाँ कीवर्ड पकड़ें को, अच्छा जिसका सबसे ज्यादा सर्च वॉल्यूम आ रहा है। सैरी ब्रो से पकड़ें, इसको छोड़ दें बस, ये फारिग हो गया क्योंकि इसमें अमेज़न है, बाकी बंदे भी बैठे होंगे तो ये एक लंबी बात है क्योंकि अब आपको एनालिसिस करना तो आ गया और क्राइटेरिया आपके पास है, सादा सी बात है उसको देखना है। जिसको क्राइटेरिया की समझ नहीं आती उसको उर्दू ट्रांसलेट करके भिजवा देते हैं और बस इतनी सी बात है, फिर तो समझ आ ब्रेड नाइफ कर लियो आनी चाहिए जी। इसमें जो सर्च वॉल्यूम जिसका सबसे ज्यादा है वो आप कीवर्ड पकड़ें, उस कीवर्ड को उठाएं और फिर हम जाते हैं आगे मैग्नेट में। सर एक्सरे लगाऊं? जी जी ठीक है, इधर एक्सरे में भी चलो उसको चेक कर लें जिसका। ओके जैन भाई, बाकी रियाज भाई याद रखिएगा आपने आवाज देनी है, ये ना हो कि हम देखते देखते फिर क्लास एंड करके चले जाएं। एंड पे आपने बताना है कि क्या मसला है आपके, एक्सरे था या क्या मसला था, हीलियम 10 था, उसको देखते हैं फिर कि क्यों मसला कर रहा है। इतना ज्यादा तो नहीं है, मतलब हाँ वो हमारे क्राइटेरिया से तो ज्यादा है लेकिन कुछ खास नहीं है, ज्यादा नहीं है। इसकी मार्केट देखें, डोमिनेंसी तो नहीं है। हाँ इसमें देखें इधर जरा, अमेज़न हाँ 3 दफा अमेज़न आ गया ना सर, फर्स्ट नंबर जी बिल्कुल। और ऐसा है आप चलें सैरी ब्रो में, चलें सैरी ब्रो में चलें, इसको बंद कर दें ये टैब जो अमेज़न वाले ओपन है ना, क्योंकि फिर वो लैपटॉप हैंग हो जाते होते हैं।
अच्छा इसमें से आप देखें ऊपर करें बिल्कुल ये ऊपर 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 ले जाएं, ऊपर ले जाएं कर्सर को, इसको छोड़ें ऊपर ले जाएं ऊपर एक्सपोर्ट सर, वैसे अगर हम देखें तो ये जो प्रोडक्ट है ये भी वैसे अमेज़न के क्राइटेरिया पे नहीं होता क्योंकि ये तो वेपन में नहीं आ जाती भैया, जरूरियात जिंदगी भी तो है ना, वेपन में ये नहीं आती, ये फोल्डेबल जो होता है वो थोड़ा वेपन में आता है, आपका ये जो अपर दीर का जो चाकू होता है वो वेपन में आ जाता है क्योंकि वो फोल्डेबल है, वो जो है इजी टू कैरी है, कहीं भी आप लेके जा सकते हैं, छुपा सकते हैं, तो वो थोड़ा ख़तरनाक है, शायद वो गेटेड में आ जाए, लेकिन यह नाइफ़ जो है आपको पता है ज़रूरियात ज़िंदगी है, और इसको ओपनली आप 6-7 इंच की अपना होती है या फुट की तो होती है पक्के वाली, 7-8 इंच की होती है, इसको इजी नहीं होता लेके जाना या कैरी करना जी। ऊपर ये एक्सपोर्ट का बटन है जी, एक्सेल करें इसको, अगर 3 इंच का हो तो इसको कैरी कर सकते हैं अपने साथ, और 3 इंच से बड़ा हो तो फिर ये नहीं लेके जा सकते। अच्छा जी, इसको अब ओपन करें, देखें यहाँ से मतलब शरी ब्रो से हमें अगर कोई वर्ड कीवर्ड मिल जाते हैं हम उनको भी इधर निकाल लेते हैं, इसके बाद आप इसमें से नीचे आए कीवर्ड जहाँ पड़े थे जहाँ से हम देख रहे थे पहले, स्क्रॉल डाउन करें इसको और वहाँ से कोई कीवर्ड पकड़ें अच्छे वाला जिसका सर्च वॉल्यूम सबसे ज़्यादा है, उस कीवर्ड को याद करें और उसको उधर ले जाएँ। अभी ये हमारे पास आ गए इसमें शीट में, इसका ही सर्च वॉल्यूम अच्छा। हाँ कौन सी नाइफ? ब्रेड नाइफ। ब्रेड नाइफ, इसका वॉल्यूम अच्छा है, सर्च वॉल्यूम अच्छा, लेकिन चलो इसको लेकिन आप इसको करें नीचे चले ना और देखें, ये गार्डन नाइफ सर्च वॉल्यूम अच्छा, ऊपर वाले का कितना है इसका सर्च वॉल्यूम ब्रेड नाइफ का? 7021 अच्छा, 11% आप इसी को पकड़ो, चलो ब्रेड नाइफ को पकड़ो, इसी को लिखो उधर लेके ना जी जी। हसन भाई ये अभी चेक किया था, अब चेक करते रहो, लेकिन इसका जो गूगल ट्रेंड मैंने देखा ना वो अंडर 25 है। अच्छा इसका गूगल ट्रेंड क्या है? अंडर 25 है ब्रेड नाइफ का, मतलब अच्छा है या नहीं है सर? 25 से नीचे है ये, ब्रेड करें ना इसको, हां ब्रेड करके जरा डालें इसको, 25 से नीचे है सर। अच्छा नाइफ का अच्छा आ रहा है, हम नाइफ को पकड़ते हैं, चलें जी उसमें आप ले जाएं मैग्नेट में इसको ले जाएं, या कोई और बंदा कोई और कीवर्ड दे दे, अगर किसी के पास कोई है कीवर्ड तो वो दे दें। आप इसमें चलें कीवर्ड रिसर्च में जाएं ना नीचे, मेरी कीवर्ड रिसर्च में मैं बता दूं मैग्नेट यहां डालें सर, सिलिकॉन है आइस ट्रे था, सिलिकॉन आइस ट्रे उसका गूगल ट्रेंड अच्छा है। आइसक्रीम स्कूप चेक कर लें, आइसक्रीम स्कूप जी, ग्लास होल्डर है लेकिन यूएस की मार्केट में। ओके ओके ओके, अच्छा इसको ग्लास होल्डर लिखें जी, आइसक्रीम स्कूप भी लिखते हैं क्योंकि टेंशन नहीं है, सॉरी वो लैपटॉप में ना ड्राइवर पता नहीं उड़ गया क्या हुआ, वाईफाई नहीं चल रहा, कोई मसला नहीं है मोबाइल पे फिलहाल तो, लेकिन ये है कि अगर कोई करना चाह रहा है तो मैं करवा देता हूं, ऐसे भी इशू नहीं कोई भी, लेकिन प्रेजेंटेशन के लिए अगर कर ले नहीं वो कर लेंगे उसको, देख लेंगे कोई मसला नहीं है जी। ठीक है ठीक है, आज फोकस भी इस पे ही है तो कोई, हां करें इसको जरा गेट कीवर्ड ये वो काम है कि आपके जैसे, बस सादा सी बात है, जैसा उसके नाम से ही जाहिर है कि कीवर्ड कि आपके पास गाड़ी है सब कुछ है ठीक है, 21 मॉडल गाड़ी है, लेकिन उसकी चाबी नहीं है आपके पास, या गुम हो गई है या अंदर रह गई है और गेट बंद कर दिया लॉक हो गया, तो कितनी टेंशन होती है, तो ये जो वर्ड्स होते हैं ये की होते हैं, तो इनके बगैर आपकी गाड़ी या आपकी प्रोडक्ट नहीं चल सकती, तो इसको चलाने के लिए सारी मेहनत इसी पे होती है जी। इसको करें ज़रा ऑर्गेनिक, एक मिनट उनका काउंट चेक करें, 3926 हैं
एक्चुअली बताने का मकसद ये होता है कि अगर इसके इतने ज्यादा आ रहे हैं, जब आप फिल्टर लगाते हैं, जी करें इसको फिल्टर करें। उनतालीस सौ छब्बीस थे, देखें भाई 4000 थे और 197, 200 बचे हैं, आप खुद देख लें। और इसके बाद आप ऊपर चलें, आप इसका जो वर्ड काउंट लिखा हुआ है इसको जरा हटा दें, वर्ड काउंट को 00 कर दें, और इसमें आप सर्च वॉल्यूम लगा दें। सर्च वॉल्यूम कितना था भैया हमारा क्राइटेरिया का, मिनिमम वही डालें, 6000 डालें जी। मिनिमम क्राइटेरिया डालें 6000, और फिर आप देखें कि 197 वर्ड जो है कहाँ पहुँचते हैं हमारे जो कीवर्ड हैं। ये देखें जी, एक पे आ गया है हमारे पास। ये कौन सा है जी, इस कीवर्ड का नाम क्या है? ग्लासेस होल्डर। ग्लासेस होल्डर, अच्छा। इसको आप ऊपर जाएं, इसका सर्च वॉल्यूम करें आप 2000 कर दें मिनिमम, 2000 जी। अब क्लिक करें, अब जनाब आपके पास 4 वर्ड्स आए हैं, 4 आए हैं कीवर्ड, ठीक है। तो आप 1000 करें इसको, अब देखते जाएं, मतलब ये आपने ओवरऑल करना होगा। फिर वहां से जाके जब आपके पास 4 वर्ड्स आए हैं, जैसे 4 आए हैं, फिर आपने वो जाके उसकी मार्केट ओपन करनी है कि यार ग्लास होल्डर ही पड़ा है या कोई और चीज़ तो नहीं आई पड़ी। अब ये 13 है 17 है 13, अब इनकी मार्केट चेक करें ज़रा, हर उसकी ना वर्ड की कि क्या वो आ रहा है उसका, उसमें वाकई गिलास होल्डर है या कोई और मिक्सअप तो नहीं है चीज़ें। सर वो नेगेटिव वाला नहीं चेक करेंगे ना, वो पॉजिटिव वाला चेक करेंगे। जी जी, अगर एक मार बस ठीक है तो देखती जाएं, बाकी भी देखती जाएं। और वो ऐसे होता है कि अगर एक मार्केट है उसका सर्च वॉल्यूम हर चीज़ अच्छी आ रही है ऑर्गेनिक में है, लेकिन उसका लास्ट मंथ में अगर कोई 10% 5% गिर गया है सर्च वॉल्यूम, तो कोई मसला नहीं है, ओवरऑल तो वो बैठा है ना 20,000 या 15,000 या 11,000 पे बैठा है। तो ये होता है मतलब कि हाँ, ये इसको रिमूव करें, देखा है ये इरेलीवेंट चीज़ आ गई है, ये मकसद होता है चेक करने का। अब जाएं, ये कौन सा कीवर्ड था उसको क्रॉस मारें। जी ये ग्लास होल्डर दूसरा आ गया आपका ना, ये जी ग्लासेस वाला, इसको भी डेल मार दें। और उधर जो सर्च वॉल्यूम है, अब देखें जो ही आप अपना पूरा क्राइटेरिया डालेंगे तो बहुत ही कम चीज़ें आपको मिलेंगी। बस ये कि सेरिब्रो से इधर से वर्ड आप ये ज़रूर देखा करें कि मार्केट में जो है, ठीक है वर्ड तो हमारे पास आ गए ऑर्गेनिकली आ गए, लेकिन उनकी जो मार्केट है क्या वो हमारी ही नीश को ओपन कर रहे हैं या किसी और नीश को। जैसे गिलास होल्डर था तो वो दूसरे गिलासेस पे चला गया, आपको समझ आई है, कोई फायदा हुआ है कि नहीं, या उम्मे अमन ने ऐसे ही खर्चा किया आप लोगों के लिए? नहीं नहीं, समझ आई है सर, बिल्कुल समझ आई है, ऐसी कोई बात नहीं। मतलब आप उधर डरे बैठे थे ना कि सर ये 2000 या 5000 या 2600 वर्ड आ रहे हैं या 3000 आ रहे हैं, तो इन की वर्ड को हम कैसे एडजस्ट करेंगे। तो जब आप फिल्टर लगाते हैं एडवांस वाला और पेड वाला, तो फिर वो क्या होता है कि हर चीज़ चटापटा सामने आ जाता है और वो उड़ जाते हैं जो हमारे बाकी। ये सारे हो गए चेक सर तकरीबन? बस ठीक है, इनको आप देखें, बाकी इनका सर्च वॉल्यूम हर चीज़ को आपने एनालाइज करके उसके बाद आपने क्या करना है, इनको भी अपने एक्सेल शीट में डाल लेना है। बिलावल भाई जरा ऊंचा बोला करें, क्योंकि आपकी आवाज़ माइक बगैर होता है तो समझ नहीं आती, थोड़ा माइक भी इसका ना साफ कर लेना, आगे से गर्दा शर्दा होता है ना लैपटॉप का या जिसका भी है आप जो भी यूज़ कर रहे हैं, तो उस वजह से भी बड़ी डिस्टॉर्शन मतलब छन छना के आती है आपकी आवाज़। सर ये 2000 आपने कहाँ पे एंटर किया था?
इससे कीवर्ड कम होगा ये सर्च वॉल्यूम में। जी जी सर्च वॉल्यूम में किया था, मतलब उसका सर्च वॉल्यूम हम जब बढ़ाएंगे ना कि इससे ज्यादा सर्च वॉल्यूम वाली प्रोडक्ट चाहिए तो वो ऑटोमेटिकली हमें जो है कम सर्च वॉल्यूम वाली जो चीजें होंगी वो उसमें से निकाल लेगा, ठीक है, ये फायदा होता है। अच्छा अभी कोई और कीवर्ड आ रहा था, वो कौन सा था, एक मिनट इधर मैं देखता हूँ। ये है सिलिकॉन आइस क्यूब ट्रे और ये टॉयलेट रोल स्टैंड, इनको जरा चेक करें। कोई दूसरा बंदा इम्तियाज साहब ट्रेंड भी चेक करते रहे, हर बंदा एक एक स्पेशलिटी पकड़ ले ना तो वो फिर इजी हो जाएगा। सर इसके ये जो प्रोडक्ट के मैंने नाम शेयर किए हैं कि ट्रेंड मैंने चेक किए हैं, सब के ट्रेंड आए हैं। अच्छा ओके ओके, सिलिकॉन आइस क्यूब ट्रे ये इधर आपका चैट बॉक्स में मैसेजेस में खड़ा है कीवर्ड, इसको इधर भी चेक करें और इस पर एक्सरे भी लगाएं, उधर भी इसको थोड़ा देख के फिर इसके वर्ड्स कीवर्ड देखते हैं हम। अब ये देखें कितने कीवर्ड्स आ रहे हैं, पहले डालें इधर आइस सिलिकॉन आइस क्यूब ट्रे, ट्रे है उन्होंने ट्रेस लिख दिया जी, बताएं ना भैया स्पेलिंग बताएं, टी आर ए वाई इस तरह करके बताएं ना, टी आर ए वाई एस आई डबल एल आई सी ओ एन आई सी ई, ये सब में स्पेस है, स्पेस सी यू बी ई स्पेस टी आर ए वाई ट्रे। नीचे देखें कितने आ रहे हैं इसमें, जी ये 2500 वर्ड्स हैं, इसके कीवर्ड्स आ रहे हैं 2535 हैं या 25 हैं, तो इसको आप ऊपर फिल्टर लगाएं, इसमें फिल्टर लगाएं, अब वर्ड काउंट का फिल्टर बेशक हटा दें लेकिन ऑर्गेनिक का लगा अप्लाई करें, रहने दें अभी इसको, दो वाले को रहने दे सारे तजुर्बात करें ना, चलो को पता तो चलेगा। अभी ये टू वर्ड वाला मतलब आएगा आपका मिड टेल लॉन्ग टेल जो कीवर्ड होंगे फोर वर्ड्स पर जो मुश्तमिल होंगे वो नहीं आएंगे इसमें। अब देखें जनाब कितने हैं, 2500 में से 475 हैं या 73 हैं। अच्छा अब इसको आप करें सर्च वॉल्यूम डालें, इसका 6000 सर्च वॉल्यूम डालें मिनिमम, कि इससे ऊपर वाला होना चाहिए मिनिमम सर्च वॉल्यूम हमारा 6000 क्राइटेरिया के मुताबिक। अप्लाई करें सर, जी अप्लाई करें, अभी 475-73 थे, अब देखते हैं कितने बचते हैं, आओ जी 13 तो ये सीन होता है जी कीवर्ड्स निकालने का। और अब इनकी वो चेक करें, मार्केट चेक करें कि ओवरऑल हमारी मार्केट को वो शो कर रहा है या उसमें कोई और चीज भी मिक्सचर है। आइस क्यूब का जो है वो ट्रेंड इसका अच्छा आ रहा है पर आइस क्यूब ट्रे का ट्रेंड अच्छा नहीं है। आइस क्यूब ये 100 को टच कर रहा है इसका और 25 से भी ऊपर है आइस क्यूब का। अच्छा ट्रेंड इज नॉट गुड, ओके जी, और ये किस चीज का ट्रेंड अच्छा है अदील भाई ये बताइए। आइस क्यूब का और आइस क्यूब ट्रे का अच्छा नहीं है, सिर्फ आइस क्यूब, आइस क्यूब लिखें जी, ओनली ट्रे हटा दें, ट्रे हटा दें ऊपर से, ट्रे हटा दें, फिर इसको हम देख लेते हैं इधर से सारी चीजें। अदील भाई आइसक्रीम स्कूप का भी देखिएगा जरा क्या ट्रेंड आ रहा है, इसमें सिलिकॉन भी निकालना पड़ेगा जी, देख वो भी चेक कर लेते हैं। लेकिन उसमें जो ब्रांड बैठे हैं ना वो पिक्चर्स वगैरह से और बड़े सुलझे संभली हुई फैमिलीज से लगते हैं, जरूरी है कि उनका रेवेन्यू भी अच्छा होगा,
मतलब मैंने देखी तो जस्ट वही प्रैक्टिस में जो पिक्चर्स वगैरह या स्वेचेस वगैरह निकाल के दिखाते हैं जी. कितने आए हैं इसके? 45-22 आई थिंक सो. 22 से 32 है. ओके अच्छा, इसको आप ऊपर जाएं, इसमें जाएं, लगाएं फिल्टर, लगाएं इसका ऑर्गेनिक का लगा दें और क्लिक करें जरा अप्लाई करें. अभी बाकी कोई ना लगाएं, इसको अप्लाई करें. जी अब देखें कितने थे पहले. 5000 थे, यानी आपका डिवाइडेड बाय 10 हो जाता है सीन. अब इसको लगाएं फिल्टर, इसके ऊपर मजीद फिल्टर लगाएं, 6000 वाला लगा दें. ये वर्ड कंटेंट जो लिखते हैं, वर्ड कौन से कंटेंट कह रहा हूं, वर्ड कौन जो टू लिखते हैं इसका जरा मुझे थोड़ा सा ओपन करें, जरा इसको एक्सप्लोर करें. कोई बंदा रूप भाई आप वर्ड काउंट क्यों लिखते हैं भाई? हां वर्ड काउंट टू क्यों लिखा है सर? कीवर्ड टू वर्ड होता है, कीवर्ड टू वर्ड पे मुश्तमिल होता है. हां जी, कीवर्ड जैसे ज़ैन इदरीस, ये टू वर्ड्स पर मुश्तमिल है, एक नाम एक कीवर्ड, ठीक है. एक है मोहम्मद बिन अहमद, ये नाम तीन वर्ड्स पर मुश्तमिल है. तो वो आप उसको टू वाले को निकाल दें, उसको टू को डेल करें, फिर देखते हैं. अभी 14 आ रहे हैं हमारे पास में 6000 वॉल्यूम में. इसको निकालें फिर अप्लाई करें, 00 इसको. अच्छा ब्रॉड कीवर्ड होता है जिसके अंदर सिर्फ सिंगल टेल, जैसे कि ऊपर कॉकटेल लिखा हुआ रहा है, ये सिंगल के ब्रॉड की, ये ब्रॉड कीवर्ड रहेगा. और एक शॉर्ट टेल कीवर्ड होता है, वो जैसे टू वर्ड वाला कीवर्ड जो होता है वो शॉर्ट टेल कीवर्ड कहलाता है. और लॉन्ग टेल कीवर्ड जैसे कि इसमें इसमें चार वर्ड वाला जो हमारे पास कीवर्ड आता है वो लॉन्ग टेल कीवर्ड कहलाता है. तो जो जो अच्छा जो कीवर्ड जो काउंट होता हैगा वो शॉर्ट टेल कीवर्ड जो होता है वो हमारे पास. जी इसमें अब 16 आ गए हमारे पास, ठीक है. अब इनकी मार्केट चेक करें कि ये वाकई हमारी मार्केट को मुतलका को जो है शो करवा रहे हैं उसी पर काम कर रहे हैं या गलत मार्केट को जो हमारा होगा वो निकाल लेंगे. ये इररिलेवेंट है. दूसरी देखें, हमारा कीवर्ड कौन सा था? आइस क्यूब. जी उसको आप डेल कर देंगे पहले वाले को. अब देखें आपके पास सर्च वॉल्यूम अच्छा आ गया, हर चीज अच्छी आ गई, लेकिन अगर आपने इधर से खिड़की से पर्दा हटा के नजर नहीं मारी और नहीं झांका तो वो आपका जो है गलत आपकी इन्वेस्टमेंट होती रहेगी, क्योंकि इन्हीं कीवर्ड्स पर आगे पीपीसी पर यही कीवर्ड चलेंगे और वहां जब ये कीवर्ड यूज होंगे तो वो आपको नुकसान देंगे और आपका पैसा जाया होता रहेगा. ये भी रिलेवेंट है. जी और जितने भी जैसे वहाँ 25 आई थिंक 125 थे या 35 थे कीवर्ड निकले थे हमारे पास सरी ब्रो में, नाइफ के थे या जिसके भी निकाले थे हमने, तो उनको और इनको अलहदा निकाल के फिर इनका हमने वो पहले से ही मार्केट देख लेनी है. मार्केट देख के फिर निकाल के एक्सेल में और उनको यूज करना है फिर अपने इसमें ब्लू में और डिस्क्रिप्शन में. जी आप देख लें सर, इररिलेवेंट तो नहीं है, हमने ट्रे ही देखनी थी वैसे. नहीं आइस क्यूब देख रही है ना आप, ट्रे थोड़ी देख रही है. तो आइस क्यूब सर, आइस क्यूब ट्रे ही है ना, आइस क्यूब ट्रे में लगती है, ट्रे में ही लगती है. और किसमें लगती है आइस क्यूब? जी बिल्कुल ट्रे में ही आएगी, लेकिन उसका जो है हमने ट्रे नहीं लिखा था क्योंकि उधर उसका वॉल्यूम सर्च वॉल्यूम जो है ना बस वो आइस क्यूब ही ज्यादा सर्च कर रहे हैं बायर. लेकिन सबसे टॉप पे तो आइस क्यूब ट्रे है, ये इररिलेवेंट है. आइस क्यूब ट्रे इधर टॉप पे हो सकता है लेकिन ट्रेंड में अच्छा नहीं आ रहा ना. सारी चीजें जब मैच करेंगे तो वो फिर तभी काम बनेगा.
अच्छा इस पे एक्स रे लगाएं जरा आइस क्यूब पे या आइस क्यूब ट्रे पे जिसका सर्च वॉल्यूम अच्छा था उधर ट्रेंड में गूगल ट्रेंड अच्छा था वो आइस क्यूब उसको लगाएं सिर्फ आइस क्यूब का ओके आइस क्यूब पर वो लगाएं एक्स रे लगाएं सर इसमें तो अभी ये बताएं इरेलेवेंट आ रहा है आप चलो देखें आप एक्सरे लगा के देखें उस वर्ड पे ना अब ये बताएं कि इसकी समझ आई है आपने कीवर्ड की समझ आई है गेम की के नहीं क्योंकि सारी बात कीवर्ड्स की ही है इसका मतलब है असल गेम ही कीवर्ड की है जी मैंने कहा था ना जब एंड पे जाएंगे अभी जब आगे पीपीसी करके फिर हम राउंड लगाएंगे ना ओवरऑल हमारी बात ही कीवर्ड पे होगी दूसरी बात ही नहीं होगी सही सही फिर आपको समझ आएगी कि ये गेम है ही कीवर्ड्स की ये हम लोग लिस्टिंग से बात है अगर जी जी शुरू से ही ये मतलब लिस्टिंग तो बाद की बात है पहले जब आप उसको हंटिंग कर रहे होते हैं लिस्टिंग तो बाद में बनाते हैं ना जब आपके पास नहीं मैं कह रहा हूं हम जब से सीख रहे हैं जहां से सीख रहे हैं वहीं से जो है हम कीवर्ड लेके चल रहे हैं जी बिल्कुल ऐसे ही है ये ऐसे ही है कि अगर आपके पास V8 है फॉर्च्यूनर है ठीक है 1.5-2 करोड़ की 4 करोड़ की 2.5 करोड़ की गाड़ी है लेकिन उसकी की नहीं है आपके पास गिर गई है तो टेंशन है वो नहीं चल सकती चाहे जितने की भी है इसी तरह की वर्ड सही ना हुए चाहे आपकी 2 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस की भी इन्वेस्टमेंट है तो वो नहीं चल सकेगी क्योंकि उसकी चाबी ही आप भूल गए थे उठाना जब लगाने थे कीवर्ड्स उठाने थे और पकड़ने थे उन पर सर्च करनी थी वो उसकी चाबी आप भूल गए थे तो वो अब कैसे चलेगी गाड़ी जनाब 2 करोड़ की आपकी खड़ी है तो ये सीन है अब समझ आई कीवर्ड की बात क्योंकि मैं आज इसीलिए सेरिब्रो या मैग्नेट में लेके बैठा था कि ये निकालो ऐसे करो और सबसे बड़ा फायदा जो हमारा हुआ है सबसे पहले तो सब शुक्रिया अदा करें उम्मे अमन का कि उन्होंने चलो आपको ज्यारत करवाई है पेड टूल्स की और इसमें देखें 4000 आपके पास 4700 था अभी कीवर्ड्स आपके सामने थे फिर उनको हमने जब फिल्टर लगाए वो नीचे आ गए और फिल्टर हमने कस के लगाया था अगर हम उसको जाके कम करते ना सर्च वॉल्यूम तो हमारे पास को 15-20 कीवर्ड निकल आते और जब उसकी मार्केट चेक की हमने तो वही बात है को 10-15-20 ही बड़ी मुश्किल से में निकलेंगे हमारे पास कि जो एग्जैक्ट हमारे लिए अच्छे कीवर्ड हों जो हमारी ही नीश पर काम कर रहे हों हमारी ही मार्केट या प्रोडक्ट की मार्केट को ओपन करें तो वो कीवर्ड ऐसे निकाले जाते हैं और ऐसे निकलते हैं और हजारों में से मतलब चंद एक जाके आपको सर ये होते हैं। टोटल कितने कीवर्ड्स चाहिए होते हैं मिनिमम वो तो आप जितने ज्यादा से ज्यादा निकाल सके मिनिमम वाली तो बात ही नहीं है ना इसमें अच्छा मतलब मैक्सिमम आपको निकालने चाहिए और मैक्सिमम वो अच्छे कीवर्ड निकालने चाहिए जो आपकी ही मार्केट को ओपन करते हैं अच्छा ही सर्च वॉल्यूम होता है उनका अगर जैसे अब यहाँ बहुत कम निकल रहे थे तो हम क्या करते हैं हम वो सर्च वॉल्यूम वाला जो है ना जा करके क्राइटेरिया थोड़ा सा लाइट कर देते हैं अपना नरम कर देते हैं तो उसमें हमारे पास कीवर्ड फिर अच्छे आ जाते हैं जी देखें इसको एक्सरे को चेक करें हसन भाई और बाकी कामरान भाई देखें जरा सर बाकी तो रेलेवेंट है ये वाली मशीन आ रही है बाकी तो आइस क्यूब ट्रेज ही हैं चलो इसका एनालिसिस करें इसको फिल्टर करें फिल्टर लगा दिए इसका स्पॉन्सर डल करें और हाई टू लो करें और उसके बाद अमेज़न को देखें हाई टू लो कर दिया अमेज़न डोमिनेंसी देखें बाकी कोई डोमिनेंसी है चेक करें यस नहीं अमेज़न ब्रांड डोमिनेंसी बिल्कुल भी नहीं है ब्रांड का भी नहीं है अच्छा अमेज़न नहीं है बाकी अब जाएंगे इधर आप इसमें आप ब्रांड में जाएं ब्रांड में देखें कि ब्रांड में भी कोई एक बंदा बैठा है या बार बार अगर बैठा है एक बंदा 2-3 बार फिर उसकी आप रेवेन्यू चेक करेंगे फिर उसके रिव्यूज चेक करेंगे नहीं बैठा तो चलो आप रिव्यूज पे लेकर आइए रिव्यूज भी अच्छे हैं
अच्छे वो होंगे जो कम होंगे, अच्छे वो होंगे जो कम होंगे। अच्छा इनको अब इनको टॉप 10 को हमने करना है। अब एक बंदा कैलकुलेटर निकाले और जमा बोले और जमा करे जी, आप करें जमा। उम्मे अमन कर रही हैं जी, जबरदस्त हो गया, ऐसे होता है काम करना। अच्छा नंबर वन, नंबर टू, ये रिव्यू ज्यादा लग रहे हैं इसमें 4200। चलो करने दे, करने दे, कोई मसला नहीं है उनको। और एक बात ये है, नीचे करें मैम, सही है। अच्छा ऐसे होता है, एक चीज आप देखते हैं, जब भी कोई प्रोडक्ट लॉन्च करनी है या किसी प्रोडक्ट में जाना है, प्रोडक्ट मिल गई, पेटेंट चेक हो गया, उसकी हर चीज हो गई, उसके बाद जब लिस्टिंग करने लगते हैं तो आपने उसके रिलेटेड सर रिव्यू ज्यादा आ रहे हैं, 1160 जी बिल्कुल, ये फारिग इसको छोड़ दें। अच्छा आपने जाना है उसके रिव्यूज देखने हैं, अपने कंपटीटर्स के नेगेटिव रिव्यूज भी देखने हैं, पॉजिटिव रिव्यूज भी देखने हैं, और उनको निकाल लेना है, कॉपी कर लेना है और राइट डाउन करके, और अपने सोर्सिंग करते वक्त, ऑर्डर देते वक्त जो आपका सप्लायर यानी मैन्युफैक्चरर होगा उसको भी ये चीज कहनी है कि ये चीजें हमारी नेगेटिव जो होंगी बातें, मतलब रिव्यूज होंगे कि इसमें ये कमी थी, खामी थी, आपने अपने कंपटीटर्स के निकाले, आप उसको कहेंगे कि सख्ती से कि ये कमी नहीं होनी चाहिए, ये खामी हमारी प्रोडक्ट में नहीं होनी चाहिए। और जो पॉजिटिव रिव्यूज होंगे कि वेल एंड गुड के, मतलब ये चीज अच्छी थी या इसमें प्रोडक्ट में ये चीज अच्छी थी, तो आपने उसको कहना है कि ये चीज होनी चाहिए, और नेगेटिव में जो थे कि ये हरगिज नहीं होनी चाहिए, अगर ऐसा हुआ वो चीजें आपकी एग्रीमेंट में भी होनी चाहिए। और फिर उन चीजों को आपने जो नेगेटिव रिव्यूज होंगे उनको पॉजिटिव करके लिखना है कि इसमें ये चीज है और ये हरगिज नहीं है, ताकि जिस वजह से पहले आपका बायर जो है उस प्रोडक्ट को बाय करने करके उन नेगेटिव उसकी जो खसूसियात थी या नेगेटिविटी थी उसकी वजह से उसने नेगेटिव रिव्यू दिया, वो डेफिनेटली उसके माइंड में होगा, वही बात पड़ेगा। जब उसको वो बात मिलेगी यहाँ पॉजिटिव की सूरत में कि जनाब इसमें वो दूसरे वाला रबर नहीं है, ये जो है मतलब इसमें स्टील यूज हुआ हुआ है या इस टाइप की कोई बात होगी, तो वो कहेगा बिल्कुल ये मेरे मकसद की चीज़ है, वो गलत मैंने ली थी जो पहले ली, तो ये फायदा होता है। ये फायदा इसमें इसमें ये कॉलम में जो सर जी रियाज भाई बोले आप सर, ये बात माफ कीजिएगा आपकी बात मैंने काट ली, ये बात कहना चाह रहा हूँ, बात करते डिजाइन राइट रिव्यू काउंट वाले कॉलम में जो हमारे पास हो रहा है 147, तो उसमें कुछ पॉजिटिव रिव्यू भी होंगे और कुछ नेगेटिव रिव्यू भी, तो अगर रेटिंग देखेंगे ना तो वो तो अच्छी बात है, तो हम 1000 क्यों काउंट करते हैं, इतने ज़्यादा होंगे तो वो अच्छा नहीं है के लिए हमारे प्रोडक्ट के। ज्यादा होगा तो क्या होगा प्रोडक्ट के लिए, जो अच्छा होगा हमारे जो प्रोडक्ट हमने दिया हुआ है या हम जो सर्च कर रहे हैं, तो फिर हम 1000 लिमिट क्यों रखते हैं। अगर रिव्यूज होंगे, अब मेरी बात सुने, जैसे एक हसद होता है, हसद ये होता है कि यार मेरे कजन के पास इतने प्लॉट्स, इतनी गाड़ियां और इतना बड़ा बिजनेस है, ठीक है, वो चीज अच्छी है, ठीक है, हमारे माशरे में जैसे पाया जाता है, तो हमने हसद करना है यहाँ भैया कि रिव्यूज अच्छे हैं लेकिन उसके हैं, उसके 1000 से ज्यादा रिव्यूज होंगे तो वो हमें मार देगा। अच्छा सर, मैं इस बात पे पहले भी मेरे ज़हन में बात है, तो अभी मैंने आपसे पूछूंगा, लेकिन अब जब रिव्यू डिस्कस हो रहा यार ठीक है, गाड़ियां कजन के पास गाड़ियां हैं, 5 प्लाट भी हैं, ठीक है, और 10 मरले का उसके पास जनाब गोदाम है, 3 मरले का ऑफिस है, गोदाम भरा पड़ा है इन्वेंट्री से, लेकिन हमने हसद करना है भाई उसके पास है ना, हमारे पास तो नहीं है। अगर हम ऐसे अपने कजन के सामने ही, उसका 3 मरले का ऑफिस है, 10 मरले का गोदाम है, हम वहाँ जनाब 3 मरले का ही गोदाम लेके बैठ जाएं, उसी में ही हम बैठ जाएं, तो वो हम उसका मुकाबला कर पाएंगे। ठीक हो गया सर, अब समझ गया। अगर किसी और को भी अभी कोई मसला है इसमें तो बताएं, रिव्यू में या कोई चीज में।
सर रिव्यू में कैसे पता चलता है कि 196 अगर रिव्यू हैं तो अच्छे रिव्यू कितने हैं और बुरे कितने हैं? इसमें ये होता है कि एक बंदे के रिव्यूज अगर ज्यादा आ रहे हैं और नेगेटिव और पॉजिटिव देखने के लिए, हम उसके जाते हैं रेटिंग में कि उसको अगर एक बंदे के 3000 कह लें रिव्यूज है, फर्ज करें 3000 रिव्यूज आ रहे हैं तो उसकी रेटिंग डेफिनेटली 4+ होगी, 4.5, 4.3, 4 होगी या 5 होगी। ये नहीं होगा अगर उसकी रेटिंग आती है 3 स्टार 2 स्टार, देन वो जो 3000 लेके बैठा हुआ है ना जेब में रिव्यूज, वो रिव्यूज नेगेटिव रिव्यूज तसव्वुर किए जाएंगे। ये बात क्लियर हुई सर? इसमें मैं थोड़ा ऐड कर दूं? जी सर क्लियर है जी, जरूर करें। हाँ जी सर, इसमें ये होता है कि हमें ना रिव्यूज को ना रेट करना भी होता है, ठीक है। नीचे हम जब रेटिंग के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे पास रिव्यूज है ना सब कस्टमर के खुल जाते हैं, तो उसको अभी हमें रीड करने से भी हमें पता चल जाएगा कि किसने क्या लिखा है। अब सपोज जैसे मैं अब सऊदी अरब में थोड़ा काम कर रही हूँ, तो सर उसमें तो जो कस्टमर हैं उन्होंने अरबी में जो है ना वो रिव्यूज दिए हुए, तो मैं उनकी फिर स्टार से काउंटिंग करती हूँ कि जिस जिस बंदे ने एक एक स्टार दिया है तो इट्स मीन दैट कि वो उस प्रोडक्ट से सेटिस्फाई नहीं है। जिसने 3 स्टार दिए 4 स्टार दिए तो इट्स मीन दैट कि वो प्रोडक्ट से सेटिस्फाई है। तो हम जो है ना वो रिव्यू को इस तरीके से भी कर सकते हैं। इफ अगर आप किसी और कंट्री में करें और उन्होंने अपनी लैंग्वेज में लिखा हुआ है रिव्यू, तो आपने ये देखना है कि उसने उस प्रोडक्ट को स्टार कितने दिए, इंडिविजुअली आपने चेक करना है कि किसने कितने कितने स्टार दिए, उससे भी हमें पता चल जाता है। एंड हसन भाई आपने पूछा था ना कीवर्ड का, तो मैंने कीवर्ड का पढ़ा है था अमेज़न के इस टॉपिक्स में कि एक जो होता है वो प्राइमरी कीवर्ड मस्ट है आपका, ठीक है, प्रोडक्ट और लिस्टिंग बनाने में। दूसरा आपका 7 सेकेंडरी कीवर्ड, मतलब बाकी तो आपकी अपनी मर्जी है कि आप जितने कीवर्ड ऐड करना चाहें, ठीक है, अपने प्रोडक्ट को स्ट्रॉन्ग बनाना चाह रहे हैं, बट प्राइमरी और सेकेंडरी मतलब एक मेन प्राइमरी और एक मेन सेकेंडरी, ये तो जो है वो लाजमी है। ठीक हो गया, ठीक जी। और कोई बंदा कुछ ऐड करना चाहे? हेलो जी सर, सब क्लियर है? अच्छा जी, इसके अलावा हमारा क्या रह गया? अब कीवर्ड की समझ आई है कि नहीं, जिस पे मैंने काफ़ी टाइम लगाया? चलो प्रोडक्ट तो अब जब टाइम लगता है 20-20 दिन भी लग जाते हैं, महीना महीना भी लग जाता है, और प्रोडक्ट मिल भी जाती होती हैं, ठीक है, और सर दर्द की बाजी लगानी पड़ती है। मतलब आप जब भी बैठे हैं कुछ भी देख रहे हैं, फेसबुक देख रहे हैं, वहाँ अली बाबा के इश्तहार आते हैं, एडवर्टाइजमेंट होती है, उसमें से आप न्यू रिलीजेज जो होती हैं उनकी नई आइटम वो करते हैं, वहाँ से भी आप आइडियाज़ ले सकते हैं, लेकिन प्रोडक्ट हंटिंग के बाद जो है जो कीवर्ड्स होते हैं वो आपने ऐसे निकालने होते हैं और फिर उनको सर्चिंग के बाद ऐसे ही यूज़ करना होता है, और उसमें अपनी लिस्टिंग में ये जो आपके रेटिंग चेक करके और रिव्यूज़ चेक करके आप उसमें उनको निकालते हैं, उनके नेगेटिव रिव्यूज़ निकालते हैं और उनको पढ़ते हैं और डालते हैं पॉजिटिव करके वहाँ पे, और पॉजिटिव भी निकालते हैं, पॉजिटिव निकालते हैं। उसका ये फ़ायदा होता है जब आप ऑर्डर करते हैं अपने मैन्युफैक्चरर को तो उसको कहते हैं ये चीज़ें होनी चाहिए मेरी प्रोडक्ट में और ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए हर गैस, तो ये सीन होता है जी। तो कोई और बंदा पॉजिटिव और नेगेटिव रिव्यू देखने के लिए अलग-अलग कोई हमें फिर शीट बनानी पड़ेगी या सिर्फ जस्ट रीड करने है ओवरऑल? वो आपको मेंशन करना पड़ेगा ना अपने पास कहीं नोटबुक में या कहीं पे भी आप मेंशन कर लें अपने पास, वो आप कॉपी कर लेते हैं वर्ड में, कॉपी कर लेते हैं वर्ड में, कॉपी कर लेंगे वो। इसका मकसद जो बता रहे हैं ना फारूक भाई कि ये सिर्फ सोर्सिंग में काम आता है, जब आप किसी इन्वेंट्री को ऑर्डर करते हैं ना तब आप अपने जो इन्वेंटर होते हैं उसको बताते हैं कि ये मैन्युफैक्चरर को बताते हैं ये चीज़ इसमें नहीं डालनी है,
और ये चीज इसमें डाल इसमें करें अपना मोहतरमा आइसक्रीम लिखें सर या कोई भी की जी सर जी, मैं कमलान भाई के इसका आंसर देती हूँ। इसका एक पूरा टेम्पलेट होता है, ठीक है। हम जब एक प्रोडक्ट सर्च कर लेते हैं, हमारे क्राइटेरिया पे पूरा वो प्रोडक्ट उतर आता है, ए टू जेड जितना भी होता है, कीवर्ड से लेके प्राइस हर चीज तक, ठीक है। उसके बाद इसका एक होता है टेम्पलेट, उस टेम्पलेट को हमें फिल करना होता है। उस टेम्पलेट में फिर ये सारा कुछ मेंशन होता है कि उसकी रेटिंग कितनी है, उसके रिव्यूज कितने हैं, बेस्ट सेलर क्या है, उसके रिव्यूज कौन से हैं। तो रिव्यूज का जिसमें कॉलम होता है उसमें पॉजिटिव रिव्यूज भी डालते हैं और नेगेटिव भी। सर वो टेम्पलेट मेरे पास पड़ा हुआ है, तो अगर कहें तो फिर मैं बाद में दिखा दूंगी। आप शेयर कर देंगी और ये रिव्यूज ऐसे निकालते हैं, अभी वो निकाल रही हैं जी। इसमें आइसक्रीम स्कूप लिखें जी। शुक्रिया सिस्टर। अच्छा आइसक्रीम स्कूप का जो है वो ट्रेंड शो नहीं हो रहा वहाँ पे जो है। कमरान भाई आपने मुझे ये बताना है कि आपने वो जो मार्जिन निकाला था ना मोटे मोटे आपके जो बैठे होते हैं रिव्यू होल्डर, उनको आप देखते हैं, उनको जमा करके एक माइंड में आइडिया लगा देते हैं दो जाते जी। किसी और को एक को क्लिक करें, आप किसी एक को क्लिक कर दें, इसका डिटेल पेज ओपन करें किसी एक आइसक्रीम स्कूप का। जी इसको नीचे ले जाएं, स्क्रॉल डाउन करें, नीचे आपके येलो पट्टियां आएंगी, यानी वो इसकी रिव्यूज क्यों होगी, नीचे आती जाएं, नीचे नीचे ले स्क्रॉल डाउन करें इसको, और उसमें ये चीजें, ये बिल्कुल ऊपर ये देखें आप, वन स्टार रिव्यूज भी हैं, टू स्टार भी हैं, थ्री स्टार भी हैं, सबको नजर आ रहे हैं जी सर। आप इसका ऐसा करें वन स्टार पे क्लिक करें और न्यू पे न्यू इसमें न्यू टैब में ओपन करें, राइट में अगर होता है राइट क्लिक करें, यस न्यू में करें। अब टू स्टार को न्यू टैब में करें, थ्री स्टार को न्यू टैब में करें, उनको कर लें ओपन, फिर देखते जाते हैं। जी देखें अब ये आपके सामने, इनको करें सिलेक्ट करें, ये जो रिव्यूज हमारे सामने वन स्टार वाला आया है, और इसको अगर पढ़ सकती हैं तो पढ़ के सुना दें, सिर्फ रिव्यू को करें, एक रिव्यू को कर लेना, बस एक ही करें, सबको करने की जरूरत क्या है, बस वो एक बता रहे हैं तरीका। इसको कॉपी करके आप वर्ड में डालें, सादा सी बात। वो मिस की बात कह रही थी ना, वो टेम्पलेट भी है, वो कौन सा टेम्पलेट है उसमें डाल लेना, वो हमें भी पता चल जाएगा, वो भी कर लेते हैं जी। करें भाई के बाद खान शेयर करें वो टेम्पलेट जरा, उसमें डालें डिस्कशन ग्रुप में डालें, और वहां से उम्मी अमन ओपन कर लेंगे जी। आप इसको वर्ड में कॉपी कर देंगे, सादा सी बात है। अब जितने भी आपको चाहिए, वन स्टार चाहिए, टू स्टार, थ्री स्टार, सारे देखेंगे, उनमें जो जो होंगे आपने फिर उस में से अपनी हेडिंग्स निकालनी है, कॉपी करके साइड पे डाल देने की, हाँ यार ये चीज़ जो है ना मैं अपने ऑर्डर में लिखूंगा कि ये नहीं होनी चाहिए, ये तो बड़ा उसने कबाड़ा कर दिया, तो ये सीन होगा। और जो पॉजिटिव होंगे वो भी आपने पढ़ने के, यार ये चीज़ें मस्ट होनी चाहिए, और फिर उन्हीं नेगेटिव को पॉजिटिव करके लिखना है, जो पॉजिटिव जिस वजह से मिले हैं वो वजह भी आपने बीच में अपनी डिस्क्रिप्शन बुलेट्स में एडजस्ट कर देनी है, और साथ में वो कीवर्ड भी लगाते जाने हैं जो आपने निकाले होंगे। जी यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो गया है कि नहीं जी भाई? ये जी सर। और बाकी हम इंशाल्लाह देखते हैं, कल देखते हैं या जब भी जैन भाई का वो हो गया, तो आपने भी तैयार रहना है के बाद खान, मैनुअल हंटिंग का आपने बताना है,
एक क्लास बकायदा हम करेंगे मैनुअल हंटिंग की। ओके सर, सर वो टेम्पलेट शो करवा दूं? हाँ करवाएं। बस ठीक हो गया, ऐसे ही भाई कॉपी कर लेंगे। अब समझ आ गई नहीं इस बात की? जी सर, मैं मैनुअल हंटिंग पे ही काम कर रही हूँ। मैं कोशिश कर रही हूँ कि बेटर से बेटर और ज्यादा अच्छे से तरीके से सीखूं ताकि मैं आप सबको सिखा दूं। आप रेडी रहें, आपने वो जो ट्रिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो बताने, और जैन भाई भी आपके साथ होंगे तो इंशाल्लाह इजी हो जाएगा। मिस के बाद मुझे बताइएगा ये मैनुअल हंटिंग। जी जी ओके ओके सर, भाई आप सबको बताएंगे, टेंशन ना ले भाई, सबको बताएंगे, आपको बताएंगे और आपसे आने वाले जो पीछे जूनियर है उनको भी बताएंगे। सर ये दिल बड़ा रखा करें, ये टेंशन ना लिया करें कि यार ये ना हो कि सारे काम सीख जाएं और फिर जो है ना वैकेंसीज कम पड़ जाएंगी। तो हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपना अपना सेटअप दे। मिस उमा एमन, आप स्क्रीन ऑफ करें ताकि मैं अपनी ऑन करूं। सर वो मैनुअल टेक वाला जो आपने माइनस टू का वीडियो शेयर किया था उसमें सारी है मैनुअल टेक जो भी है सारी इसमें बताते हैं सर पहले कि कैसे करनी है। जी बिल्कुल उसमें है जी। थैंक यू सो मच उम्मे अमन। और बाकी जी क्या बात, हन करें स्क्रीन शेयर और बताएं। अच्छा ये हो रही है। नंबर ऑफ सेलर है दिल्ली से। ये स्टार्टिंग से कर दो सर, एक मिनट। जी स्टार्टिंग से करें ना इसको, ले आए लेफ्ट पे और फिर इसमें जो है ये सऊदीया के लिए। शेयर कर दीजिएगा प्लीज मैम। जी शेयर कर दूं, एक मिनट। अच्छा नहीं कर दूंगी। जी जी कर देंगे, मुझे सेंड कर देना, मैं उधर से लेके कर दूंगा हर साइड पे। हाँ जी सर, ये मैं वो प्रोडक्ट सर्च कर रही थी तो इसकी एंट्री की हुई थी इसलिए मैंने ये शेयर कर दिया ताकि पता चल जाए। ये कीवर्ड का कॉलम है इसमें, ठीक है। देन सेकंड इसमें एसएन है, ये रिव्यूज है। ये जो रिव्यूज है ना इसके अंदर जो है हम पेस्ट करते हैं नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। अगर सपोज हम इसमें एट अ टाइम तो सारे, अगर एक प्रोडक्ट पे कोई 15-20 रिव्यूज है ना, हम वो सारे नहीं कर सकते। हम उसमें से मेन जो पॉजिटिव होंगे वो निकाल लेंगे 1-2-3, और जो नेगेटिव है ना नेगेटिव को तो फोकस करेंगे कि वो हम सारे निकाल सकें, ठीक है। देन फिर उसके हम ये रेटिंग मेंशन करते हैं, ये बेस्ट सेलर रेंज 1। अच्छा हम ये यूज करते हैं क्योंकि हम प्रोडक्ट जब हंट कर देते हैं तो हम उसको 1 वीक तक चेस करते हैं, ये बात सर ने भी बताई थी। तो उसके बाद फिर ये हमने डेली का उसकी एंट्री करनी है कि उसकी फर्स्ट डे पे जब हमने देखा तो BSR कितना है, सेकेंड डे पे कितना है, थर्ड डे पे कितना है, ये सारा जो है ये ऐसे लिखते जाएंगे BSR, ठीक है। 5 डेज तक हम इसको जो है ना वो करते हैं। फिर इसकी डायमेंशन है, ठीक है, एज ऑफ लिस्टिंग कौन सी एज से ये है, प्राइस प्रोडक्ट की क्या है, प्रोडक्ट का वेट क्या है, देन एक मिनट। अच्छा जी ये सर्च वॉल्यूम जो है वो हम हीलियम 10 से सर्च करते हैं, बट अगर हम सऊदी के लिए और दुबई के लिए काम करेंगे तो ये कॉलम हमारे लिए नीट नहीं है। यहाँ पे हम रेवेन्यू मेंशन करते हैं, यहाँ पे हम एस्टिमेट पर सेल करते हैं, ये इनके फार्मूले हैं, ये मैंने फार्मूलों से इनको ऐड किया हुआ है यहाँ पर। प्लस में अमेजोन डोमिनेंट तो नहीं है वो मेंशन करते हैं, अगर नहीं है तो हम इधर नीट कर देते हैं। ट्रैक करते हैं CPR, ये जो है ना सेरिब्रो से निकालेंगे, हीलियम 10 से जो है ना ये CPR निकलता है। जी अच्छा जी, इसको जी, ना ये कहाँ से निकलता है ये आपको पता है कोई बताएगा कि कहाँ से नजर आते हैं? सर ये मुझे तो पता सेरिब्रो से होता है। जी कोई और बंदा? नहीं सर हमें नहीं पता, आप बता दें। अच्छा इसको कंप्लीट करें, इसको पढ़ें जनाब, इसके कॉलम एंड करें और फिर दिखाते हैं वो कहाँ आता है गिव अवेज वाला सीन कहाँ पे आता है। सर ये सेरिब्रो प्रोडक्ट रैंक इसकी फुल फॉर्म है, सेरिब्रो प्रोडक्ट रैंक।
जी आगे चलें आगे। ठीक है जी, तो ये नंबर ऑफ सेलर के मतलब आपके उस प्रोडक्ट पे कितने मीटू करके बैठे हुए, एक है, दो है, तीन है, चार है, और फिर डेली की सेल इधर मेंशन करते हैं। अच्छा, ये स्टॉक काउंट ऑफ स्टोर है, ये एक साइट से हम जो है ना पता चलता है कि कौन कौन से ब्रांड जो है ना वो सेल कर रहे हैं। ठीक है, ये एक एक्सटेंशन है, और फिर उनकी डेली कितनी कितनी सेल हो रही है। अगर सपोज एक प्रोडक्ट को चार बंदे मीटू करके बैठे तो उन चारों बंदों का जो है ना नेम इधर मेंशन करना होता है, और फिर उनकी चारों की डेली कॉलम 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 बताएं जस्ट। ये आप लोगों के लिए पूरा दिन पूरी एक क्लास रखेंगे, और फिर बेशक पानी भी आप साथ में रख लेना और उसको बोलिएगा, टेंशन नहीं लेनी। ओके सर, ये कॉलम हेडिंग कॉलम हेडिंग बताते जाए। जी सी सर, फिर आगे इसको हमें चेंजेस करना है 7 डेज तक फिनिश। जी ये मैनुअल हंटिंग के लिए है मोस्ट ऑफ, ये कह सकते हैं आप, और बाकी आप वो करें अपना। आपके पास मैग्नेट है, मैग्नेट में जाएं? सर मेरे पास नहीं है। नहीं है, चलो उम्मे अमन आप जरा आएं और वो मैग्नेट ओपन करें और इनको करके दिखाएं। ओके सर, गिव अवे इसका। आज तो फीमेल छाई पड़ी है भाई, छाई नहीं पड़ी, छा गई हैं लेडीज, बेशक चुप करके बैठी नहीं है लेकिन बाजी ले गई हैं, ये बात मानने वाली। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है, कोई शक नहीं है। देन भाई आप मैनुअल हंटिंग पे काम कर रहे हैं? जी मैं मैनुअल ही पे ही काम कर रहा हूं, तो अभी मेरे पास तकरीबन कितनी, आज भी मैं काम किया मैंने जी, आप इसको करें वो 25-30 प्रोडक्ट डिफरेंट किस्म, मतलब किचन में और दूसरी पेट्स में। वो आपने हंट कर लिए? नहीं नहीं, नहीं, नहीं आप उसमें जाएं मैग्नेट में, जाएं मैग्नेट में। बस इधर ही रुक जाएं, इधर ही ऊपर 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 नीचे बस, ठीक है। ये आइस क्यूब लिखा हुआ है जनाब, जहाँ पे गेट कीवर्ड ब्लू बटन के नीचे, बस इधर ही रोकें। ये नजर आ रहा है सबको, ये जो डार्क ब्लू बटन है गेट कीवर्ड्स वाला, इसके नीचे। जी बिल्कुल जी, सीपीआर नजर आ गया सर, इसके नीचे चले जाएं, नीचे सर्च वॉल्यूम है उसके नीचे सीपीआर है। ये है कि आपको जो है ना 54 है 64 है कि ये सीपीआर गिव अवेज है, ये गिव अवेज यहाँ से आपको नजर आते हैं। ठीक ठीक ठीक, थैंक यू सर। ठीक हो गया जी, बाकी आप सेरिब्रो प्रोडक्ट रैंक का है, मतलब आपको रैंकिंग के लिए, रैंकिंग में आने के लिए, अच्छा रैंक लेने के लिए पर वीक जो है आपको ये 64 है या 54 है ये जो है गिव अवेज देने पड़ेंगे, बांटने पड़ेंगे, मतलब फ्री में बांटने पड़ेंगे। जी जी, गिव अवे देना, फेंकना, बांटना मुफ्ते में। ठीक हो गया जी, आज के लिए लंगर चलाना पड़ेगा। लंगर गिव अवे का मतलब है कि कोई और प्रोडक्ट साथ में इजाफी देना, फ्री देना। सर जितना सीपीआर कम होगा वो उतना फायदेमंद होगा सर। जी बिल्कुल डेफिनेटली, अगर आपको 54 देनी पड़ रही है मतलब आपकी आइसक्रीम स्कूप फ्री में हफ्ते में, और एक बंदा 154 दे रहा है तो फिर आप फायदे में है ना, 54 वाले हैं, वो 154 वाला तो नुकसान में है, यानी नुकसान ये है कि उसका खर्चा ज्यादा पड़ रहा है। जी बिल्कुल सर। जी ठीक हो गया, आज के लिए इतना ही, कोई ऐड करना चाहे? इम्तियाज साहब या कोई और बंदा कुछ ऐड करना चाहे तो कर दें, और कोई अपनी रिसर्च करके आता है तो आप ज़रूर हमारे इल्म में भी इजाफा किया करें, क्योंकि ये एक समंदर है और इसमें बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, जो ही आप चलते जाएंगे और सीखते जाएंगे, एक साल तक तो आप सीखते जाएंगे ये, बेशक आप फील्ड में ही क्यों ना चले जाएं, तो बाकी जो है उसके बाद देखा जाएगा कि क्या होता है। ये 3 घंटे की क्लास हो तो ये 6 मंथ का कोर्स है। ठीक हो गया, ठीक है सर। ये मैंने ब्लैक बॉक्स के बारे में
पूछा था। हाँ हाँ चलो जी करो शेयर। शायद मैंने या तो अलग ये अलग से इंस्टॉल करना है, मैं अभी शायद वो लेक्चर या तो नहीं। आप लैपटॉप पर हैं अभी? लैपटॉप पर हैं? लैपटॉप पर भी हूँ, मोबाइल पर भी हूँ। लैपटॉप की स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, बाकी मैंने नहीं 10 इंस्टॉल किया हुआ है बाकी की। एक मिनट क्यों नहीं हो रही? ये आपका जो ये नीचे थ्री डॉट्स हैं नीचे, मैं करवाता हूँ आपको स्क्रीन शेयर। ये जहाँ स्क्रीन छपी हुई है उसके बीच में एक एरो है व्हाइट कलर की, सीसी के साथ वाला बटन है, इसको क्लिक करें। ये अच्छा स्क्रीन शेयर का तो मैंने नहीं, लेकिन आप ये जो स्क्रीन है आपकी यहाँ से या जो अभी शो हो रही थी वो लैपटॉप में नहीं आ रही थी, मैंने अभी तक शेयर नहीं की, तो चलो मैं ट्राई करता हूँ। आप शेयर करें ना, आप करें अभी, आपका मसला भी हल होगा और सारा काम सामने आ जाएगा। थ्री डॉट से साथ वाला जो वो बॉक्स बना हुआ है उसमें एरो है, वो स्क्रीन है। एरो का मतलब है ये शेयर कर रहे हैं आप स्क्रीन, इसको क्लिक करें। जैन भाई इनबॉक्स चेक करें। जी सर, वन टैब व्यू एंटर योर एंटायर स्क्रीन। जी ऊपर एंटायर स्क्रीन पर क्लिक करें और ऊपर स्क्रीन आएगी, स्क्रीन के ऊपर आपने जो है ना जहां वो विंडो ओपन होगी क्लिक करना है और शेयर आपका ब्लू हो जाएगा, एक्टिव होगा, देन आप शेयर पर क्लिक करेंगे और शेयर आपका काम करेगा और स्क्रीन शेयर हो जाएगी। विंडो पे क्लिक करना है सर। हाँ ठीक हो गया सर, किसी की स्क्रीन शेयर हो रही है शायद। जी बिल्कुल जी, बाकी लोग देखें, नासिर साहब और हसन भाई, कामरान भाई, जैन भाई, केबाल खान। जी सर, जी सर, ब्लैक बॉक्स ओपन करें, क्या मसला है, कहाँ पे मसला है, इधर चलाएं इसको, बताएं भैया रियाज भाई। जी सर, सर ये देखिएगा, ये जो एक्सरे है सर, एक्सरे ओपन करें ना आपको भाई जान। आप इसमें मार्केट लगाएं ना पहले, ये एक नीच लगाएं इसमें, सर्च में पहले नीच लगाएं ना। हाँ इधर ये मैंने स्प्रिंग आपको फार्मूला लगा हुआ है, बस ठीक है उसको छोड़। आप इधर आइसक्रीम स्कूप लगाएं या कोई चीज लगाएं, या आप लिखें कोई हेलमेट लिखते हैं, हेलमेट लिखें HELMET, इसको डेल कर दें, इनको डेल करें, माइनस स्ट्रिंग, अभी ये आपको फार्मूला लगाओ, इसको डेल कर दें, आप हेलमेट डायरेक्ट लगाएं, क्लिक करें इसको, एंटर करें, एंटर करें। जी अब यहाँ पे एक्सरे लगाएं। अब ये है ना, ये आपकी मार्केट ओपन है, ये मेरे ख्याल से माइनस स्ट्रिंग पे तो नहीं लगा रहे थे एक्सरे, इस वजह से शायद ओपन नहीं हो रहा था। जी वो एक अलग चीज है। जी बिल्कुल, ये अब सुन लें रियाज साहब, ये है आपकी मार्केट ओपन है हेलमेट की, तो जब भी एक्सरे लगाना है मार्केट लगाना है, क्योंकि आपने मार्केट का एनालिसिस करना है। अगर आप एक इधर हेलमेट को क्लिक कर लेते हैं, वो उस प्रोडक्ट का डिटेल पेज ओपन हो जाएगा, उस पर भी एक्सरे लगाएंगे, वही एक ही प्रोडक्ट आएगी, या उसके दो तीन जो कलर या वेरिएशन होगी वही आएगी, बाकी कुछ नहीं आना। जब आप यहाँ मतलब कोई भी नीश ओपन करते हैं, नीश पर मार्केट पर लगता है आपका एक्सरे, अब लगाएं एक्सरे लगेगा, एक्सरे तो लग रहा है सर। ब्लैक बॉक्स का जो वो प्रोसीजर है वो कहां से है सर, वो इसका ऑप्शन, वो भी करवाते हैं वो भी आपको आज अभी आपके साथ ही इंशाल्लाह आधा घंटा लगे, पौना लगे, दो लगे, आपको करवा के भेजेंगे। हसन भाई देखिएगा। जी मेरे भाई, अच्छा जब भी हमने ये एक्सरे ओपन करना है, सबसे पहले हम लोगों ने सर्च वॉल्यूम देखना है कि हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक सर्च वॉल्यूम 6000 से ज्यादा होना चाहिए। रियाज भाई कितना आ रहा है सर्च वॉल्यूम? बताएं आप मुझे, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि सर्च वॉल्यूम कितना आ रहा है? ये देखो, ये लेफ्ट साइड पे टॉप पे 8641। हाँ हमने सबसे पहले ये चेक करना है कि हमारा सर्च वॉल्यूम कितना आ रहा है। क्राइटेरिया एक कंप्लीट हो गया, सही है? ठीक है, अभी आप जाएं फिल्टर पे, ये आप देख रहे हैं कि SP 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 लिखा हुआ है, पहले चार प्रोडक्ट के साथ SSP SP SP लिखा हुआ है। रियाज भाई वो SP नजर आया आपको कि नहीं आया? जी सर,
ये एसपी जहां पिक्चर लगी हुई है ना हेलमेट की, ये जी जी स्पॉन्सर, ये खत्म हो जाएगा फिल्टर से जी सर। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, गुड गुड हाइड जी भाई जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। सबसे पहले तो रियाज भाई आपका वेलकम हो गया और बड़ी खुशी हुई है कि चलो आपने जो है ना हिम्मत की है आगे मुसल्ले पे आने की। जबरदस्त। अच्छा अप्लाई फिल्टर के, गुड। अच्छा अभी इसको हम लोग रेवेन्यू पे जाके हाई टू लो कर लेते हैं। रेवेन्यू पे क्लिक करें दो दफा जी, एक और दफा कीजिए। हाई से लो हो गया ना, हो गया ठीक है। अभी आप लेफ्ट करें, राइट लेके जाएं कर्सल को, इस पूरे पेज को राइट लेके जाएं। हमने फिर देखना है ब्रांड डोमिनेंसी तो नहीं है इसके अंदर, देखें बताएं कितने दफा आ रहा है अमेज़न। अमेज़न एक दफा है और... अब आप ब्रांड की तरफ दें, ब्रांड में देखें कि एक ब्रांड कोई दो दफा तो नहीं आ रहा, तीन दफा तो नहीं आ रहा। ब्रांड ये ब्रांड लिखा हुआ ना, एसएन के साथ ब्रांड लिखा हुआ, ये ना सर, ये जी इसमें सिंगल ही है सर, सिंगल ही है, गुड हो गया। अब आप इसके जाएं रिव्यू की तरफ जाएं, ये पेज को राइट की लेफ्ट की तरफ लेकर आइए। और कर और हाँ ये अब हमने ना इसके जो फर्स्ट 10 रिव्यूज है ना ये ब्रांड्स के, ये हमने सबको प्लस करके डिवाइडेड बाय 10 करना है और हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक ये जो है 1000 या 1000 के नीचे नीचे ही होना चाहिए। जी सर, तो इसका मतलब है 6, 7, 8 1000 से प्लस आ रहे हैं, ये है 1000 से प्लस आ रहे हैं। जी जी 4 के हो गए तकरीबन 9 हाँ, तो मतलब ये ब्रांड हमारे लिए ठीक नहीं है। एक एक यहाँ पे हमें फेस करना पड़ रहा है रिव्यूज के अंदर एरर। अगर फॉर एग्जांपल हमारा रिव्यू भी ठीक आता है तो फिर हम जाएंगे किसकी तरफ, रेटिंग की तरफ। सही है, रेटिंग हमारी कितनी है क्राइटेरिया में? 4.2 है, आई थिंक 4.2 है या 4 है, कोई करेक्ट करेगा, करेक्शन करेगा हमारी? 4.2 है। हाँ जी 4.2। तो अगर हमारा रिव्यू भी ठीक आता है फिर हम रेटिंग की तरफ जाएंगे। जी जी बोले, ब्लैक बॉक्स तक इस्तेमाल जो करते हैं वो बता रहे हैं ना, पहले तो हम लोग ये देख रहे हैं कि ये एक रिवाइज कर रहे हैं, फिर हम लोग इसकी तरफ, इसके बाद फिर हम ब्लैक बॉक्स की तरफ भी जाएंगे। ठीक हो गया, ये चीज समझ आ गई आपको? बिल्कुल समझ आ गई। अच्छा चलो, और बाकी हसन भाई एक बात मुझे ऐड करने दे, और इसके अलावा भी जितने स्टूडेंट्स हैं जिनको अभी समझ नहीं आई या उनसे मतलब हो नहीं पा रहा कुछ, तो आप लोग ऐसा करेंगे, आप लोग रابطہ करेंगे मेरे साथ और वही सारे आप लोग ही होंगे, और आपकी अलग से भी एक क्लास रख दी जाएगी ताकि उसमें ये जो पहले बोलते हैं ज्यादा बोलते हैं ये बंदा कोई भी हम जो है ना शरीक नहीं करेंगे, और हम अपनी एक प्राइवेट क्लास रख के 5 बंदे हों, 10 हों, 8 हों, 20 हों, तो करेंगे और करवाएंगे तो इंशाल्लाह सब, क्योंकि जब इतना कुछ दिया है तो थोड़ा बहुत टाइम दे के आपको आए ना, तब मज़ा तो तब है, ये तो नहीं है कि आप पीछे बैठ रहे हैं। बहुत खुशी हुई है रियाज भाई कि आप आगे आए। जी चलें हसन भाई। ये तो हसन भाई मेरे साथ और जैन भाई के साथ जुल्म हो जाएगा। ये तो नाइंसाफी हो जाएगी सर हम तीनों के साथ। कोई नहीं, लेकिन वो भी तो है ना, काफी बंदे रहते हैं ऐसे। कोई नहीं कर। चलो करें भाई, चलाएं रियाज साहब। हम फिर फारूक भाई के साथ अलग तीन एक क्लास रख लेंगे, उसमें फिर हम तीन ही होंगे और कोई भी नहीं होगा। टन ये सर, असल भाई ये सबसे बेस्ट हो जाएगा, बेस्ट ये सबसे बेस्ट हो जाएगा फिर। आप लोग सीनियर हो गए ना फिर। भाई मैंने सोना, ओके फिर, ओके जी, ओके डन हो गया जी। चलें आगे चलें, रियाज साहब को जल्दी जल्दी चलाएं और बाकी इनके लिए स्पेशल रखते हैं। हसन भाई चलाएं जरा।
अच्छा रियाज भाई, और आपकी एक्सरे, यही एक्सरे कंप्लीट करवा दें, बाकी ब्लैक बॉक्स या वो चीजें फिर नेक्स्ट। ये हो गया सर, ये हो गया कंप्लीट, हो बस गया, बस हो गया, तो फिर इसको कंप्लीट करते हैं। और ब्लैक बॉक्स, हाँ ब्लैक बॉक्स रियाज भाई कल इंशाल्लाह याद कीजिएगा, फिर ऐसे थोड़ा थोड़ा करेंगे ना, तो आपको साथ बाकी चीजें भी करते जाएंगे, आपको भी साथ टाइम देते जाएंगे, या जो ऐसे बंदे होंगे इनके साथ 15-20 मिनट हम लगा लेंगे तो वो अच्छा हो जाएगा। रियाज साहब ठीक है, ठीक हो गया सर, ठीक। और बाकी ना वो जिन्होंने आज करवाया ना उनको जनाब खुसूसी तौर पे थैंक यू फरूक भाई, आपने जिन्होंने ये हीलियम 10 का और जनाब वो जो पेड हमें ज़ियारत करवाई है, और सब लोग उनका जनाब शुक्रिया अदा करें, सब लोग करें बिल्कुल जी। जी उम्मे अमन आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। और बाकी टेंशन नहीं लेनी, हर चीज़ है, अकाउंट्स भी हैं, हर चीज़ आपको दिखाएंगे, थोड़ा सा बस ऐसा ऐसा चल देंगे, इंशाल्लाह कुर्बानी से पहले जो है ना आप लोगों को रवाना कर देंगे। ओके सर, थैंक यू, और फिर कुर्बानी पे आप लोगों के पास चक्कर भी लगाना है मैंने। वेलकम सर, थैंक यू जी, ठीक हो गया जी, आज के लिए इतना ही, और इंशाल्लाह जिंदगी रही तो कल मुलाकात हो। ओके सर, ओके, अल्लाह हाफिज़। ओके सर, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। सर जैन भाई को नींद आ रही है।